ऑन कर दिए हैं। ठीक है, तो जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिख रहा है ना, और भी क्वेश्चंस है तो हम यहाँ पे रखे हैं, तो हम टेलीग्राम में जिस क्लास के बाद भेज देंगे। तो ऐसे हम क्वेश्चन भेजते रहेंगे डेली, 20-30 क्वेश्चन करके जैसे वेक्टर पढ़ते रहेंगे। तो ये सब प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट होगा पूछना, या अपने से भी कहीं से बना रहे हो तो जरूर बनाओ। तो देखो, इनमें से हम लोग ये सब क्वेश्चन पिछले क्लास में किए थे, ये वाला क्वेश्चन किए थे, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, सर हाँ बोलो। एररलेस से बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एरर से बना, कोई भी किताब से बनाओ, सब किताब अच्छा होता है। ठीक है, कोई भी किताब से तुम बनाओ, जहां से माने एररलेस, या फिर तुम्हारा सिंगेज या एससी वर्मा, जहां से बनाना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग किए थे क्लास में, 120 आंसर आ रहा था, हम बता नहीं रहे फिर से। ये क्वेश्चन तो दिख ही रहा है कि एफ वन एफ टू दो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है, उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर एफ वन प्लस एफ टू स्क्वायर। तो सब कुछ कुछ किए थे। देखो ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ये वाला बता दे रहे हैं, और हम लोग ये भी किए थे। तो इसका ना थोड़ा देख लो, यहाँ पे शायद आंसर उस दिन आंसर तो सही आया था, शायद कुछ हम मिस्टेक से बी कैंसिल आउट कर दे रहे थे, शायद किए होंगे। तो इसको थोड़ा देख लो, इसका सॉल्यूशन 6 नंबर, और 6 नंबर देख लो, और एक हम और तुमको एक 5 भी बता दे रहे हैं। ठीक है, और 5 भी एक बता दे रहे हैं, बाकी इधर का तुम बना सकते हो, बहुत सिंपल सिंपल है। और यहाँ पे कोई डाउट होगा तो पूछना, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या था ना, 5 में जैसे बोला गया है, 5 6 में, कि ए बी टू वेक्टर है, परपेंडिकुलर है टू द वेक्टर ए, एंड मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ ऑफ द वेक्टर बी, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, 150 डिग्री आंसर आ रहा था, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ हो रहा था, कैलकुलेशन से मिस्टेक किए थे, तो -1/2 आ जा रहा था। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, दो वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो जाएगा, ए वी दो वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो जो रिजल्टेंट है तो वो बी का हाफ आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, दो वेक्टर ए बी मान लिए हैं, दो वेक्टर ए बी मान लिए यहाँ पे, और क्या बोला गया है कि वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है, मतलब थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं, तो बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक, प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग को एंगल देखना है, तो एंगल क्या होता है, रिजल्टेंट का टैन अल्फा होता है, तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा ए प्लस डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा कि ये इसको क्या करना है, हम लोग को परपेंडिकुलर बनाना है, तो मतलब टैन अल्फा करो 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये टैन अल्फा करो कितना होगा, 90 डिग्री, तभी तो परपेंडिकुलर होगा, और टैन 90 का तो अनडिफाइंड होता है, तो इसको अनडिफाइंड करने के लिए हम लोगों को, इसको अनडिफाइंड करने के लिए ये टर्म को जीरो करना पड़ेगा, ए प्लस बी कॉस थीटा क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी कि ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, जो कितना होगा, जो जाएगा माइनस ए बाई बी, तो ये हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो होगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इधर आके। ठीक है, उधर उस दिन बी लगा था शायद, तो कुछ गड़बड़ शायद किए थे, एक बार देख लेना, तो पिछले क्लास में, तो इसको ठीक कर देना। तो ये बी स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab cos थीटा हो जाएगा। ये टेलीग्राम में भी और क्वेश्चन कोई भेजा था, तो बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3b² / 4, तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर हम लोग को मिल जाएगा, और अलग से ए भी निकालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ देखो ए स्क्वायर, और देखो कॉस थीटा का तो -a/b है, तो पुट कर देते हैं। देखो यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, स्क्रीन के साइड में लिख रहे हैं, यहाँ यहाँ लिख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2ab, और कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है -a/b, -a/b। ठीक, तो यहाँ से ये वाला b और ये वाला b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तब -3b² / 4 इक्वल टू कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और -2a² हो जा रहा है, देखो हाँ -2a² हो जा रहा है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा -3b
थ्री बी स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा यहाँ से वैल्यू हम लोग को मिल गया, वहां से कट गया, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हम लोग को मिल जा रहा है। थ्री बाई फोर इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ए बाई बी यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट थ्री बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना था, थीटा निकालना है, एंगल निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को कितना आ गया था, हाँ कॉस थीटा तो माइनस ए बाई बी है, यानी कि कॉस थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस रूट थ्री बाई टू। तो माइनस रूट थ्री किस वैल्यू के लिए होता है, कॉस 150 डिग्री के लिए। तो आंसर कितना आएगा इसका, 150 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये कोई टेलीग्राम में भी भेजा था ये वाला सवाल, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्लियर है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन बस ध्यान देना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। इधर का देखो पाँच तक पूरा बना लोगे, अच्छा पाँच भी बता दे रहे हैं, सिक्स भी बहुत आसान है। सिक्स में क्या करोगे, देखो एक बार हिंट दे देते हैं सॉल्व करना घर में। द सम ऑफ टू वेक्टर दिया गया किसी पॉइंट में 16 न्यूटन, ठीक, और रिजल्टेंट जो है उसका क्या बोला, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, ठीक है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन है एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, देन फोर्सेज आर। तो तुमको यहाँ पे तीन इक्वेशन निकालना पड़ेगा, एक तो आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा निकाल सकते हैं, तो वहां से जो भी गिवन वैल्यूज है वहां पुट करना, प्लस रिजल्टेंट्स का जो इक्वेशन होता है उसको यूज करके हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे दो फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा ये वाला सिक्स नंबर हम बता देते हैं एक बार, सिक्स तो हो गया ना, फाइव नंबर बता देते हैं, ठीक है। फाइव नंबर यहाँ लिखते हैं, कोई डाउट होगा तो पूछना आराम से, देखो धीरे धीरे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे बनाते हैं। देखो तो फाइव में एक्चुअली क्या पूछा है ना, इफ वेक्टर पी क्यू एंड आर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सॉरी हैव मैग्नीट्यूड 5, 12 एंड 13 यूनिट, तो तुमको P का मैग्नीट्यूड दे दिया है, कितना दिया है, P का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, ठीक। अच्छा उसके बाद देखो Q का मैग्नीट्यूड दे दिया है 12 न्यूटन का, सॉरी 12 का, और R का दिया 13, R का क्या दिया है 13। तो पूछा गया है कि एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, ये वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है, मतलब क्यू और आर के बीच का एंगल पूछ रहा है, मतलब दो वेक्टर जो यहाँ पे क्यू एंड आर उसके बीच में एंगल पूछा जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में गिवन है कि पी प्लस क्यू इक्वल टू आर, ठीक, तो दोनों का रिजल्टेंट आर वेक्टर होगा, ये वेक्टर आर दिया गया है। तो हम तुम लोग को सिखाए कि वेक्टर को हम लोग आइदर टेल्टेल मेथड से जोड़ सकते, नहीं तो फिर हेटेल मेथड से। तो जब हेटेल मेथड से जोड़ते हैं तो ट्रायंगल लॉ बनता है, और जब टेल्टेल मेथड से जोड़ते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ बनता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर एक वेक्टर P मानेंगे, ठीक है, तो P का जो हेड है उसको हम लोग यहाँ पे Q के टेल के साथ कोइंसाइड कराएंगे अगर, ठीक है, ये हो जाएगा Q वेक्टर का टेल, तो हम लोग को ये वाला मिल जाएगा आर वेक्टर, ये हम लोग को मिल जाएगा आर वेक्टर। तो किसके बीच में पूछा है, देखो पी क्यू के बीच में नहीं पूछा है, किसके बीच में पूछा गया एंगल यहाँ पे, क्यू और आर के बीच में पूछा गया, यानी कि हमको ये वाला एंगल चाहिए, हम लोग को अभी यहाँ पे ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, ये एंगल हम लोग को पता करना है कितना होगा, ठीक। तो मैग्नीट्यूड देखो सबका दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, पी का मैग्नीट्यूड बना दो एक यहाँ पे ट्राइंगल टाइप का, तो पी का मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है, क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है 12 है, और आर का मैग्नीट्यूड क्या है 13 है, ठीक है। तो कुछ ऐसा वेक्टर हम लोग ले लिए हैं, अगर ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में इसको ड्रॉ कर सकते हैं तो ऐसा आ जाएगा इस तरह, ठीक, ऐसा आ जाएगा। तो ये अगर थीटा 90 हो मान लिए, ये भी तो हेटल जोड़ सकते हैं, ये थीटा हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 है, ये 12 है और ये 13 है, ठीक। तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, हम लोग का थीटा निकालना है तो कॉस थीटा लगाते हैं। हेलो किसी का माइक ऑन है क्या सर, बेस बाय हाई, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ क्वेश्चन बोलना होगा तो कोई डाउट होगा या फिर कुछ बताना अगर होगा तो ऑन कर देना, अदरवाइज ऑफ रखना क्योंकि नॉइज आ जाता है, ठीक है, और कुछ बताना होगा तो जरूर ऑन करके बताना जरूर से, ठीक है चलो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ बेस बाय हाइट कर लो बी बाय एच, तो इस ट्राइंगल पे हमको दिख रहा है ना कॉस थीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम यही एंगल पूछा था, कॉस थीटा निकाल दो, ठीक।
कितना हो जा रहा है यहाँ से? ऑप्शन तो कौन सा आ रहा है? ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 12/13 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, कॉस इनवर्स 12/13। तो यहाँ पे 12/13 आ रहा है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, हाइट नहीं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, 12/13। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस इनवर्स 12/13 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। इस दो वेक्टर के बीच में एंगल नहीं पूछा था, ये क्यू और आर के बीच में पूछा गया था। तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, टेल वेक्टर जो ये पी है उसका हेड को क्यू के टेल के साथ कोइंसाइड कर दिए, तो आर रिजल्टेंट मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो इसी तरह जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तुम सॉल्व कर सकते हो। फिर इधर का सवाल देखो, जैसे क्या बोला, इफ ए और बी द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी पैरेलल टू ए, तो पैरेलल वेक्टर क्या होगा? सब ट्राई करना, हमें बता नहीं, डीपीपी होमवर्क दिए हैं, नहीं बनेगा तो मेरे से पूछना, हम आगे थोड़ा सा पढ़ा दे रहे हैं आज टॉपिक सब, और कुछ सवाल और कराएंगे। तो इसको तुम क्वेश्चन नोट डाउन मत करो, छोड़ो, टाइम लग जाएगा, तो हम तुमको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। तो क्लास के बाद जस्ट ग्रुप में हम भेज देंगे तुरंत सारा क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उस क्लास के बाद से। अच्छा, पिछला क्लास में कहाँ तक हुआ बताओ तो, कहाँ तक पढ़े थे लास्ट क्लास में, याद है किसी को? बोलो। पैरेललोग्राम लॉस एडिशन नहीं, पैरेललोग्राम तो हो गया था, यूनिट वेक्टर आउट। पढ़े थे, यस सर। पढ़ लिए थे ना, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ते यूनिट वेक्टर के आगे। सर डायरेक्शन कोसाइन हुआ था। अच्छा, हो गया था डायरेक्शन कोसाइन, यस सर। हाँ ठीक, वेरी गुड, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, वही पूछ रहे थे। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग पढ़ लिए थे, है ना, तो उसका कुछ सवाल आज हम लोग करेंगे। तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पढ़ लिए थे, अगर सबको याद होगा तो हम लोग क्या बताए थे, डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू निकाले थे। कॉपी द बैक देखना, ठीक है, लिखा हुआ होगा। कॉस अल्फा निकाले थे और कॉस बीटा निकाले थे और कॉस गामा फाइंड किए थे, ठीक हाँ है। जैसे हम लोग 3D वेक्टर लेते हैं, 3 डायमेंशन पे, ध्यान से देखो, हम लोग क्या लिए थे, मान लो आई कैप, जे कैप एंड के कैप के टर्म में लिखे थे। अगर ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया और ये के कैप हो गया, किसी भी टर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे कोई वेक्टर था आर, ठीक है, तो ये वेक्टर सपोज ये एक्स के साथ अल्फा बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है और जेड के साथ गामा बना रहा है, ऐसे बनाएगा, किसी भी एक्स वाई जेड तुम ले सकते हो। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किए थे, यहाँ से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किए थे। तो जो कॉस अल्फा होगा उसको हम लोग क्या लिखे थे, एक्स बाई जो रिजल्टेंट होता है। अब तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? एक्स बाय आर सर यस, रिजल्टेंट आर हो रूट जाएगा, ओवर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा ना, वाई स्क्वायर। ठीक है। यस तो सर। कॉस अल्फा हो जाएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये सब लिखा दिए थे हम, तो एक बार बस रिवाइज करा दे रहे हैं, जेड स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग कॉस बीटा फाइंड आउट कर लिए थे, जो क्या होगा, वाई बाई आर हो आर जाएगा। वेरी गुड, वाई बाई आर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम लोग कॉस गामा फाइंड आउट कर लिए थे, यस, जेड जेड बाई आर, ठीक है। तो ये हम लोग का था डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन। तो हम लोग ये भी बताए थे यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। वन वेरी गुड, वन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग इसका कुछ सवाल करते हैं, फिर आगे लैमीज थ्योरम पढ़ेंगे और कुछ कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व डिस्कस करेंगे। तो देखो, वेक्टर में जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना तुमको मजा आएगा, क्योंकि मैथमेटिकल है, थोड़ा सा क्वेश्चन करते रहना पड़ेगा। तो सवाल हम भेजेंगे, तुम खुद से भी करो और जो क्लास में कराते हैं उसको भी अच्छे से बनाओ, मतलब इसकी कॉपी पेन लेके बैठो, जैसे स्क्रीन में क्वेश्चन लिखेंगे तुम लोग भी सॉल्व करना साथ साथ। चलो पहला एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इसको जल्दी से बनाओ, पहला एक क्वेश्चन दे रहे हैं। तो सपोज मान लो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वेक्टर ए है जो दिया हुआ है 5y कैप प्लस 2j कैप प्लस सर ये हो फोर, क्या था? ये क्वेश्चन करा दिए थे? अच्छा, यस सर। क्वेश्चन भी कराए हैं कुछ कुछ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। एक बर्ड वाला क्वेश्चन कराए थे क्या? नो सर। नो सर कार ठीक है, ये वाला वाला क्वेश्चन, था। ठीक है, ये वाला एक बर्ड वाला क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड रुको, इसको मिटा देते हैं।
तो थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेते हैं, हम फुल स्क्रीन भी नहीं किए हैं आज, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लग रहा है। ये फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है आप सही है। ठीक है क्वेश्चन लिखो तो, ये वाला मेरे साथ लिखो जल्दी जल्दी लिखो। अ बर्ड मूव्स, ये तो अच्छा सवाल है, विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईस्टर्न लाइन, विद द ईस्टर्न लाइन, विद द ईस्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड, सॉरी ईस्टर्न लाइन 60 डिग्री हो गया ना, ओ यहां पे लिखो, यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहां पे क्या है, एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन है ना, उसके बाद लिखो विथ वर्टिकल अपवर्ड, यहां पे एंड नहीं, ठीक, डायरेक्ट विथ वर्टिकल अपवर्ड, सॉरी यहां पे लिखो ईस्टर्न लाइन के साथ विल वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है, हाँ यहां पे ईस्टर्न लाइन के बाद विथ वर्टिकल अपवर्ड, नोट डाउन करते रहो विथ वर्टिकल अपवर्ड। ठीक, तो इफ द ईस्टर्न डायरेक्शन इज, हम लोग क्या ले रहे हैं कि इफ द ईस्टर्न डायरेक्शन इज, ठीक है, टेकन एज एक्स एक्सिस, यदि हम लोग ईस्टर्न डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले, ठीक, नॉर्थन डायरेक्शन को क्या ले, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, हाँ नॉर्थन डायरेक्शन को ले रहे हैं, समझ लेना, नॉर्थन डायरेक्शन को हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस, ठीक, और अपवर्ड डायरेक्शन को ले रहे हैं जेड एक्सिस, एंड अपवर्ड को ले रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन को ले रहे हैं एज जेड एक्सिस, देन रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, क्वेश्चन है देन रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है, रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो देखो ये सवाल दिया गया स्क्रीन पे, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। A bird moves with a velocity 20 meter per second in a direction, making an angle of 60 degree with the eastern line, with vertical upward. If the eastern direction is taken as, कौन सा? हम लोग ले रहे x-axis, northern direction y-axis, और upward direction z-axis ले रहे हैं, ठीक है? Then represent the velocity in terms of rectangular form. तो देखो हम लोग यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है बर्ड उस प्लेन पे, ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे एक्स जेड प्लेन में क्या बना रहा है, एंगल 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम लोग इतना तो पता है, पहले भी जस्ट पढ़े हम लोग, कि कोई भी वैल्यू अगर लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा थ्री डायमेंशन में डायरेक्शन कोसाइन से, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का जो वैल्यू है ये हमेशा वन ही आएगा, ठीक। तो मान लो कि वेलोसिटी वेक्टर जो है v, वो अल्फा बीटा और गामा बनाता है किसके साथ, x y और z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे मान लो x लेते हैं y लेते हैं z लेते हैं, तो जैसे अभी डायग्राम बनाए थे ऊपर अल्फा बीटा गामा बना रहा है वैल्यू, ठीक है, तो एक वर्ड का डायरेक्शन क्या है 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ, तो अल्फा 60 दिया हुआ है एक्स जेड प्लेन पे, तो गामा भी क्या हो जाएगा 60 होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को
तब क्या मिल जाएगा, कॉस अगर बीटा निकालना है हम लोग को यहाँ से, तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं अल्फा का, तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 60 लिख देंगे अल्फा की जगह, और यहाँ पे लिख दो कॉस स्क्वायर बीटा, तो पता नहीं है तो कॉस स्क्वायर बीटा रहने दो, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर 60 लिख देंगे, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बस समझ में आ गया ना। तो यहाँ से तुम अगर कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए तो निकालो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, 1/2 हो गया, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर या फिर तो कॉस स्क्वायर बीटा, ये फिर से हो गया 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं इसको, तो रुको थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये 4/2 कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है सर। आ गया आंसर, आंसर आ गया, वेरी गुड। कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2 आ जाएगा, तो कॉस बीटा आएगा 1/√2, कॉस बीटा यहाँ से हम लोग को मिल गया 1/√2, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, क्लियर है ना बात, ये हो गया 1/√2, ठीक है। तो इसको अब रिप्रेजेंट कर दो, तो इस वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, देखो यहाँ पे देखो लिख रहे हैं, तो तुम्हारा जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ना, इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे vx i कैप लिखते हैं, vy j कैप लिखते हैं, और vz k कैप लिखते हैं, तो इस बात अल्फा बीटा का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो उसका जैसे रिजल्टेंट ये मैग्नीट्यूड लिखना सिखाए थे ax का, तो इस तरह v cos अल्फा आ जाएगा, है ना, i कैप के तरफ, प्लस क्या हो जाएगा, v cos बीटा हो जाएगा j कैप के तरफ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और क्या हो जाएगा, v cos गामा हो जाएगा k कैप के तरफ, क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं ना, एक्स अल्फा एक्स मतलब ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस बी कॉस बीटा जे कैप इस तरह। तो अब यहाँ से हम लोग को मैग्नीट्यूड 20 दिया हुआ था स्पीड का, जो मैग्नीट्यूड है हम लोग बस डायरेक्शन निकाल लिए, तो क्या निकाले, कॉस अल्फा 1/2 हो गया, तो 1/2 आई कैप, ये हो गया 1/√2 जे कैप, और क्या हो गया 1/2 के कैप, तो इसको सॉल्व करके लिख दो आगे, तो कितना आ जाएगा 10 आई कैप आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है 20/√2, यानी कि रैशनलाइज कर दो 10√2 आ जाएगा, हाँ 10√2 आ जाएगा, 10√2 कैप आ गया प्लस 10 के कैप आ गया, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो ऐसा तुम बहुत सारा प्रॉब्लम कंसेप्चुअल भी थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तुम्हें मजा आएगा करने में, और तुरंत सब कुछ समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि ये मैथ्स टाइप का लॉजिकल है, तो इसमें कोई इस तरह नहीं कि कोई डिफिकल्टी या कोई प्रॉब्लम होगा, बस अच्छे से हाँ ज्योमेट्री अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, और थोड़ा सा याद रखना है सब जितना जितना पढ़ा है वो सब कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो आगे हम लोग एक थ्योरी यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं लैमीज़ थ्योरम, ठीक है, लैमीज़ थ्योरम। लैमीज़ थ्योरम देखो, उसके अंदर पोजिशन वेक्टर पढ़ेंगे, पॉलीगन लॉ सब पढ़ेंगे, एक यहाँ पे छोटा सा बात बताते हैं कि लैमीज़ थ्योरम क्या होता है, एक साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है, लैमीज़ थ्योरम। देखो ये एक टेक्निक, एक तरीका है, एक मैथमेटिकल टूल्स भी बोल सकते हो, जिसके मदद से हम लोग हमेशा ये चीज किसी फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि ये कब यूज होगा, ये तब यूज होगा जब तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स किसी पॉइंट पे जीरो होगा, यानी कि बॉडी जब इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तब इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। यानी कि मान लो कि तुम्हारे पास तीन फोर्स है, F1, F2, F3, तो यदि F1 + F2 + F3 का वैल्यू जीरो आता है, तो उस समय हम लोग इस थ्योरम को यूज कर पाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं लैमीज़ थ्योरम, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इसका स्टेटमेंट मतलब ये थोड़ा समझते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इफ द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर, कोई भी थ्री वेक्टर का, चाहे वो फोर्स हो या कोई वेक्टर हो, इज जीरो, देन तब क्या हो जाएगा, देन द रेशियो ऑफ ये सब तुम लोग को फोर्स वाले चैप्टर में इसका बहुत यूज पड़ेगा, जहां पे इक्विलिब्रियम पे दिया गया बॉडी सॉल्व करने के लिए। तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज जीरो, देन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड
रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ठीक है टू ऑफ अ वेक्टर टू द साइन ऑफ एंगल. हम समझा देंगे डायग्राम से, भी लिख लो इसको बस स्टेटमेंट. टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू वेक्टर इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, इसका मतलब समझना इज कॉन्स्टेंट. ऊपर कर रहे स्क्रीन को देखो, क्या बोला गया कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ एनी वेक्टर और एनी थ्री वेक्टर इज जीरो, इफ द रिजल्ट ऑफ वेक्टर इज जीरो. ठीक है, तो थ्री वेक्टर कर देते हैं, वेक्टर मतलब तीन वेक्टर का ले रहे जनरली, यहाँ पे थ्री लिख देना. इफ द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर वेक्टर इज कॉन्स्टेंट. तो मान लो डायग्राम में, यहाँ पे देखो डायग्राम एक बना रहे हैं, देखो यहाँ पे मान लो कि ये ना तीन वेक्टर इस पॉइंट पे, मान लो तीन वेक्टर है या तीन फोर्स लग रहा है. सपोज एक वेक्टर ये तुम्हारा हम लेते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मान लो कि वेक्टर बी ले रहे हैं, इधर एक वेक्टर ले रहे हैं सपोज वेक्टर ए ले रहे हैं, और यहाँ पे कोई वेक्टर ले रहे हैं सपोज इसको सी ले रहे हैं. ठीक है, इनके बीच के एक एंगल को अल्फा मान लो, कुछ भी मान सकते हो तुम, बट हम अल्फा मान ले रहे हैं, जनरली सही रहता है, मतलब इस फॉर्मेट में याद रखेंगे तो याद रहेगा. इधर से घूम रहे तो इसको बीटा मान लो, और यहां से इसको हम लोग गामा मान लिए. ठीक है, इसको गामा मान लिया, अल्फा बीटा और गामा. तो वेक्टर बी एंड सी के बीच में अल्फा माने हैं, वेक्टर बी एंड ए के बीच में गामा माने हैं, और ए और सी के बीच में बीटा माने हैं. तो क्या कहता है लेमिस थ्योरम, देखो ये बोलता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ना, मॉड ऑफ ए लिखे देखो, मैग्नीट्यूड सिर्फ मतलब डायरेक्शन नहीं, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड ए, एरो नहीं दिए ऊपर, ए बाय साइन अल्फा ये इक्वल हो जाएगा बी बाय साइन बीटा बाय सी बाय साइन गामा. ये होता है लेमिस थ्योरम, इसको हम लोग प्रॉब्लम से भी समझेंगे बना के. अभी क्या बोल रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये वाला ए का जो मैग्नीट्यूड है, ये डिवाइड बाय जो ऑपोजिट एंगल है यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू बी बाय क्या करेंगे साइन बीटा करेंगे, और सी बाय जिसका ऑपोजिट साइन गामा, ये वाला गामा है. तो ये तीनों कांस्टेंट है, मतलब दिस वैल्यू इज ऑलवेज इन कांस्टेंट, इस रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं लेमिस थ्योरम. ठीक, तो इसका चलो एक प्रॉब्लम हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं. ठीक है, इस रिलेटेड क्वेश्चन हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, तब क्लियर हो जाएगा. और चलो पहला एक सवाल इसमें देखते हैं, स्क्रीन को ऊपर लिख लिए, ऊपर कर दे स्क्रीन. यस सर. ओके, तो समझ में आ गया होगा. देखो अब पूरा समझ जाओगे, क्वेश्चन से समझ जाओगे. जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल वन देखो, एक इसमें क्या दिया है कि अ बॉब ऑफ वेट, फटाफट लिख लो कॉपी पेन में, अ वेट 3 न्यूटन इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ टू स्ट्रिंग दो धागा से बंधा हुआ है, 1 and 2 डायग्राम में दिया गया. ठीक, तो बोला गया फाइंड द टेंशन फोर्स. इन द स्ट्रिंग. ठीक, तो देखो कैसा डायग्राम है दिया हुआ. मान लो कि यहां से रिजिड सपोर्ट है, डायग्राम बना दे रहे हैं, यहां पे ऐसा कोई रिजिड सपोर्ट है, और यहां पे एक पेंडुलम लटका हुआ है इस तरह, सिंपल पेंडुलम, ये बॉब. ठीक है, और ये कुछ लेंथ है मान लो धागे का एल, और ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहे 30 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया गया है. यहाँ पे और एक धागा बांध दिए, और यहाँ से भी रिजिड सपोर्ट, एक कोई दीवार है, यहाँ पे एक धागा से बांध दिए, तो दो धागा बंधा हुआ, नीचे इसका वेट लग रहा है ऐसे. ठीक है, जो कि 3 न्यूटन है. तो डायग्राम पे देखो यहाँ पे 3 फोर्स लग रहा है, एक तो वेट लग रहा है, और यहाँ पे एक टेंशन T1 लगेगा, स्ट्रिंग पे हमेशा टेंशन लगता है, T1 लगेगा, और इधर क्या लगेगा, एक फोर्स T2 लगेगा.
ये तुम लोग फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे फ्री बॉडी डायग्राम में और ज्यादा इसके बारे में। तो अभी के लिए इतना जानो कि टेंशन में स्ट्रिंग में दो तरह का फोर्स लग रहा है, T1 और T2। तो T1 T2 का वैल्यू फाइंड करना, ये बताना है कि T1 T2 क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखो अब क्या बोला गया, बॉडी क्या बोला गया, इक्विलिब्रियम पे है। बॉडी बोला गया है कि इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि नेट फोर्स जीरो है। कोई भी बॉडी यदि इक्विलिब्रियम पे रहता है नेट फोर्स जीरो होता है, हमको पता है हम लोग को ये बात। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि लैमिस थ्योरम यूज करके लिख सकते हैं कि F1 प्लस F2, तीनों फोर्स को F1 F2 और F3 नाम दे दिए। F3 इनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा जीरो आएगा, ठीक है, जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं, रिजल्टेंट जीरो वेक्टर या फिर जीरो आएगा मैग्नीट्यूड। तो यदि हम लोग यहाँ पे लैमिस थ्योरम को यूज करें, यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं लैमिस थ्योरम को, यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो F1 लिख दिए, ध्यान देना F1 मतलब मैग्नीट्यूड लिखे, ठीक है। तो देखो अब ये एंगल कितना है, ये एंगल तुम्हारा यहाँ देखो डायग्राम, ये एंगल 90 हो जाएगा ना, ये एंगल 90 है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, यहाँ से ये एंगल होगा 120 डिग्री, क्योंकि ये 30, तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे कैसे नॉर्मल, तो ये भी 30 आएगा, ये 30 और ये 90, समझ रहे हो ना, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये 30, तो ये भी 30 और ये 90, तो पूरा मिला कितना 120। तो ये तब कितना बचेगा, 150। तो तीनों एंगल में निकाल दिए, एक 90, एक 120, एक 150, क्लियर है ना। तो सपोज इसको हम लोग F1 मान लिए हैं, इसको हम लोग F2 मान लिए हैं, और इसको हम लोग F3 मान ले रहे हैं, ठीक है, लैमिस थ्योरम लगा रहे हैं। तो F1 का ऑपोजिट एंगल क्या है, 90 है। देखो F1 का ठीक ऑपोजिट ये वाला एंगल है 90, ये F1 ही धागा में लग रहा है ना, यहाँ पे लग रहा है F1, इसका ऑपोजिट 90। तो क्या लिखेंगे, F1 by sin 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 ये है जिसका ऑपोजिट 150, ठीक, और डिवाइड बाय क्या होगा, F3, F3 का ऑपोजिट कितना है, 120 sin 120, क्लियर, F3 का ऑपोजिट sin 120। तो इसको आप सॉल्व कर लो, sin 91 हो गया, F1 ही रहेगा, ठीक है ना। देखो ऊपर कर रहे थोड़ा स्क्रीन, F2 साइन 150 का होता है 1/2, ठीक है, 90 प्लस थीटा का निकाल सकते हो, और साइन 120 डिग्री का क्या हो जाएगा, इसका ओवर √3/2। तो F3 तो 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 न्यूटन, किसी का माइक ऑन है क्या, ऑफ कर दो, अगर पूछना होगा तो ऑन कर लो, और नहीं तो फिर ऑफ कर दो, फिर नॉइज आता है, ठीक है। तो F1 और F1 इक्वल टू हो जाएगा F2 by 1/2 by 3/√3/2। किन्हीं को कुछ पूछना होगा तो एक एक करके माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है, एक एक करके माइक ऑन कर लेना और पूछ सकते हो। तो यहाँ पे F1 का वैल्यू F2 और रिलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो निकालो यहाँ से फिर, तो F1 इक्वल टू कितना होगा, 3/√3/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमको F1 मिल जा रहा है, कितना हो जा रहा है सॉल्व करने से, 2√3 न्यूटन। सिमिलरली हमको F2 मिल जा रहा है कितना, √3 न्यूटन। तो दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे आपको टाइम इतना लगा तुम लोग समझाने के लिए, अदरवाइज तुरंत हो जाएगा विदिन 1 मिनट, फट से एंगल निकालोगे, इक्वेशन लगाओगे, तुरंत वैल्यू याद रहेगा एंगल का, जानते हो निकालने, तो तुरंत उसको सॉल्व कर लोगे दो फोर्स को। तो उतना तुमको यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ा, लैमिस थ्योरम से तुरंत हो गया। तो इसका एप्लीकेशन है। चलो एक अच्छा कैटेगरी का थोड़ा सवाल करते इस पर, उसके फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, इसको नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कीजिए। हाँ हाँ स्क्रीन नीचे कर रहे हैं, मुझे बोलना जब मतलब नोट डाउन नहीं कर पाते तो बोलना, रुक जाएंगे, ठीक, अगर हम पार कर देते हैं तो बोलना, हम रुक जाएंगे, ठीक। अबव ऑफ वेट 3 न्यूटन इज इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स 1 एंड 2, फाइंड द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग्स। को लिख लो आराम से, लिखो आराम से, सॉल्व कर लो, दो मिनट देने, इसको लिख लो।
लिख लिए हो तो यहाँ पे देखो नीचे लिख लो, तो हो गया होगा सिंपल सा। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिया गया है कि गिवन दैट यहाँ दिया गया क्या, गिवन दैट तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो साथ में। सर अभी केमिस्ट्री का वैसे क्लास था ना, मुझे आइडिया नहीं रूटीन का, शायद केमिस्ट्री का था, तो आज दो क्लास फिजिक्स का होगा, मतलब दो क्लास 3 घंटे का नहीं होगा, 5-10-15 तक होगा बस। ओके सर, हमको वैसे ही बोले थे तो इसीलिए बोल दिए। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 नल वेक्टर आ रहा है मान लो, ठीक है, मतलब तीनों का रिजल्टेंट नल वेक्टर है, 0 वेक्टर है, जिसपे बोला गया कि आउट ऑफ, तुम लोग भी पेन लेके इसको सॉल्व करो साथ में जल्दी से, आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल, इन तीनों में से क्या है, 2 वेक्टर इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड and the magnitude of third vector and the magnitude of third vector magnitude of third vector is root 2 times, ठीक है, that of either is root 2 times that of either of the two, having equal magnitude, मतलब दोनों में से किसी एक का जिसका equal magnitude है उनके root 2 times होगा, ठीक, ये हो जाएगा क्वेश्चन में। तो बोला गया find the angle between the vectors, तो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया find the, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, find the angle between the vector, ठीक है, इसको लिख लो, चलो सब लोग लिख लो पहले फिर सॉल्व करते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, नोट डाउन कर लो, यहां थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, देखो नोट डाउन कर लो, गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आउट ऑफ 3 वेक्टर 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड इज रूट 2 टाइम्स दैट ऑफ आइदर ऑफ द टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, find the angle between the vector, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं पहले थोड़ा सा, वेक्टर कैसा दिखेगा, तो यदि हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा हम लोग को नजर आएगा डायग्राम। देखो मान लो कि यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर ले रहे हैं बी वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर बी कोइंसाइड के टेल ऑफ वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर ए कोइंसाइड के टेल ऑफ द वेक्टर बी के साथ, और फिर यहाँ से सी वेक्टर ऐसे जोड़ रहे हैं, ठीक है, तभी तो रिजल्टेंट 0 आएगा, पॉलीगन लॉ पढ़ाएंगे, तो तीनों वेक्टर रिजल्टेंट बोला गया 0 है, तो गिवन क्या है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देखो सब लोग ध्यान से स्क्रीन पे, यदि मान लो सी को ऐसे लिखते ना एरो को ऐसे लिखते तो क्या आता है, तब आता ए प्लस बी माइनस सी आता इक्वल टू 0 आता, यानी कि ए प्लस बी का रिजल्टेंट आया था सी, जब तक हम लोग करते हैं हेटल मेथड, यही तो हम लोग करते आए अब तक हेटल मेथड रिजल्टेंट में, तो इसका रिजल्टेंट जब ऐसे करेंगे एरो इधर देते एरो, मतलब जब सी का एरो को इधर लगाते यहाँ पे, तब तो तुम्हारा सी को ए प्लस बी आता, तो एरो ऐसे लगा हुआ है ना, तो रिजल्टेंट कितना दिया गया है, इसलिए 0 दिया गया है, ये गिवन है। तो अब तुमको निकालना है कि बताओ कि क्या हो जाएगा, तीनों वेक्टर्स का एंगल क्या होगा, मतलब वेक्टर के पीछे एंगल क्या होगा, ठीक है, तो इसका एंगल इसको अल्फा मान लेते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं बीटा, और इस एंगल को मान लेते हैं गामा, ठीक है, समझ में आ गया, अल्फा बीटा गामा,
तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ये सब गिवन है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोई में सब इन दोनों में से किसी दो का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए और बी को सेम मान लेते हैं। और जो सी वेक्टर है ना, जो रिजल्टेंट वेक्टर है सी, मतलब रिजल्टेंट बोलते सॉरी सी जो है रिजल्टेंट नहीं होगा, जो सी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट टू टाइम्स ए हो सकता है, नहीं तो फिर रूट टू टाइम्स रूट टू बी भी हो सकता है, मतलब दोनों में से किसी एक का रूट टू टाइम्स होगा। ठीक है, और इस फिगर से तुम देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ए और बी का, तो यहाँ पे जो अल्फा और बीटा का वैल्यू है ये भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए अल्फा और बीटा जो है वो सेम आ जाएगा, ये दो एंगल अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि तीनों का जो समेशन हो जाएगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो गामा हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स अल्फा हो जाएगा। समझ में आ गया ना, देखो जिन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो हम लोग दोनों के बीच में कुछ ले रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं यहाँ पे, ये ए और बी का मैग्नीट्यूड को हम लोग सेम माने हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ वेक्टर का ये एंगल जो है ये वाला अल्फा और बीटा सेम हो जाएगा, तो तीनों का समेशन 180 डिग्री है, तो गामा यहाँ पे कितना आएगा, 180 माइनस 2 अल्फा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लेमिस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग लेमिस थ्योरम। हेलो, माइक ऑन है कि नहीं का, माइक ऑफ कर दो। सर आदित्य कौन है, अमन, अमन आदित्य, आदित्य माइक ऑन ऑफ कर दो, लेके चल जाए आदित्य। कुछ पूछना हो तो ऑन कर लेना, ठीक है, अदरवाइज ऑफ रखो, पूछोगे तो ऑन कर लेना एक एक करके। तो यहाँ पे हम लेमिस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो देखो लेमिस थ्योरम क्या होगा, ए, ए का मैग्नीट्यूड तो ए ही है मान लेते हैं, ए बाई क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट का एंगल देखो, ए बाई साइन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, सी जो है सी के ऑपोजिट गामा है तो क्या लिखेंगे, सी बाई साइन गामा, साइन गामा। क्लियर, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाई साइन अल्फा, ठीक है, और सी बाई साइन गामा, ये गामा है। ठीक है, तो गामा का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए थे जो कितना होगा 180 माइनस 2 अल्फा, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा, अब देखो सी का मैग्नीट्यूड जो है तो हम ये रूट टू टाइम्स ए है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग साइन अल्फा और सी को क्या लिखेंगे, रूट टू टाइम्स ए, दिस विल बी डिवाइड बाई तुम्हारा हो जाएगा साइन 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखो लिख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, ए काट देते हैं यहाँ से, ठीक, ये कट गया, तो कितना हो जाएगा ये 1 बाई साइन अल्फा, 1 बाई साइन अल्फा यहाँ पे हो जाएगा एक, इधर रूट टू। ठीक है, और नीचे क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, पता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा, ये 180 माइनस थीटा था, इसलिए यहाँ से अब क्या हो जाएगा, तब इसको लिखेंगे साइन अल्फा, ध्यान समझना, जिसको भी डाउट होगा तुरंत पूछना, ये रूट टू हो जाएगा, और साइन टू थीटा को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो लिखेंगे टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला सारा एंगल याद रखना बहुत जरूरी है, ये हमेशा यूज होता रहेगा फिजिक्स में, वेक्टर हो चाहे कोई भी चैप्टर हो। तो यहाँ पे साइन अल्फा को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो कॉस अल्फा हम लोग क्या मिल जा रहा है, 1 बाई रूट टू, इसीलिए हम लोग अल्फा कितना मिल जा रहा है, 45 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा मिल गया 45 डिग्री, तो बीटा भी हम लोग का 45 ही होगा, हम लोग गामा निकाल रहे हैं, तो गामा कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा हम लोग का तब 90, क्योंकि गामा इक्वल टू क्या था, 45 यस, 2 अल्फा हो जाएगा, यस सर, गामा इज द 90।
क्लियर। लेकिन ये हमारा वेक्टर के बीच में एंगल नहीं निकला, क्योंकि देखो तुम लोगों को सिखाए थे, ध्यान दो, हम क्या सिखाए थे कि वेक्टर के बीच में जो एंगल चाहिए ना, देखो ये जो वेक्टर का ए है ये तो अल्फा बीटा गामा निकाले, और ये जो वेक्टर का बी है, तो जब इन दोनों का हम लोग हेड-टेल कोइंसाइड कराए हैं, तो ये एंगल अगर तुम्हारा गामा है तो वेक्टर के बीच में एंगल ये वाला हो जाएगा, जो हो जाएगा 180 माइनस गामा, ठीक है, ये हो जाएगा 180 माइनस गामा हो जाएगा, ये वेक्टर के बीच का एंगल होगा। हेड-टेल मेथड में हम लोग इस आउटर एंगल को लेते हैं, यहाँ वाला एंगल को लेते हैं, क्लियर है ना बात। तो इसीलिए हम लोग इस तरह सभी में वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो जो वेक्टर के बीच का एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 ही आएगा 180 माइनस 2 अल्फा, 180 माइनस अल्फा सॉरी 180 माइनस अल्फा तो 90 आएगा, ठीक है, तो ये 90 आंसर आ जाएगा। फिर अगर हम लोग इसी तरह बी और सी के बीच में निकालते तो कितना आ जाएगा, ये 180 माइनस कितना अल्फा, अल्फा कितना था हम लोग के पास, अल्फा था 45 ना, तो आ जाएगा 135 डिग्री आ जाएगा, ये 135 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग अगर सी और ए के बीच में करेंगे 135 डिग्री, यस ये भी 135 आएगा, वेरी गुड, ये भी आ जाएगा 135। इस तरह हम लोग सॉल्व कर लिए लैमिस थ्योरम का यूज करके। तो देखो इसमें भी कैलकुलेशन इतना नहीं करना पड़ेगा, तो हम लोग समझाने के लिए किए हैं, यहाँ पे तुरंत हम लोग डायग्राम बनाएंगे और क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, ऑपोजिट ओरली कैलकुलेशन हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का निकाल के वेक्टर निकाल सकते हैं वैल्यू, तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, तो बस सिखाने के लिए भी लिख रहे हैं, तो प्रैक्टिस से तुरंत बन जाएगा ये सब सवाल। तो ठीक है, आगे अब थोड़ा देखते हैं हम लोग, आगे भी कुछ चीज देखते हैं और थोड़ा प्रॉब्लम और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो एक टर्म यहाँ बता रहे तुमको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हो, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो लैमिस थ्योरम हो गया, अभी यूनिट वेक्टर का हो गया पूरा, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इसके अलावा यूनिट वेक्टर का रिजोल्यूशन करना सीख गए थे थ्री डायमेंशन में, टू डायमेंशन में, और अभी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। आगे हम लोग पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे वेक्टर का, और सवाल सब बनाते रहेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में मान लो कि ये वाई एक्सिस है और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, सपोज इस पॉइंट का नाम P दिए, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट को लिखते x1, y1, ठीक, और यहाँ पे एक वेक्टर सपोज लगाए, यहाँ पे एक पॉइंट लिए Q, और यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, q2, ठीक है। तो ओरिजिन से एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, मान लो कि यहाँ तक का एक पोजिशन वेक्टर ड्रॉ कर दिए, सीधा थोड़ा डायग्राम लाइन बनाना, ठीक है, यहाँ तक ये सीधा बनेगा पूरा, हाँ, एक पोजिशन वेक्टर हो गया r1, और यहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिए, यहां से जो जाएगा तुम्हारा r2, ठीक है। तो हम लोग इस वेक्टर को बोलेंगे, अब देखो यहां पे भी ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे, इतना जरूरी है ट्रायंगल लॉ, इस वेक्टर को हम लोग नाम दिए डेल्टा r, समझ में आया, इस वेक्टर का नाम दिए डेल्टा r। तो देखो तुमको एक ट्रायंगल मिल गया, अब तुमको साइड में तुमको दिख ही रहा है, यहां पे क्या बोले, यहां पे दिख ही रहा है, ठीक है, कि इस R1 जो वेक्टर का जो हेड है वो डेल्टा R वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड किया, तो ट्रायंगल लॉ एडिशन लगा देंगे। तो अगर अप्लाई, हम लोग अप्लाई कर रहे ट्रायंगल ऑफ एडिशन, तो क्या लगा रहे, जो R1 वेक्टर है इसका हेड के साथ इस वेक्टर का कौन सा डेल्टा आर वेक्टर का टेल कोइंसाइड करेंगे, है ना, हेड टेल कोइंसाइड। तो रिजल्टेंट देखो डायरेक्शन ठीक भी है, इधर एरो दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट अपना क्या हो जाएगा, आर टू हो जाएगा, क्लियर। इसीलिए डेल्टा आर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा r2 - r1, समझ में आ गया कि डेल्टा आर कितना हो जाएगा, r2 - r1। इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, पेन सिलेक्ट करते हैं, हाँ इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मान लो कि x1 y1 और x2 y2 जो कोऑर्डिनेट है उसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं हम लोग रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स में। r1 को क्या लिख सकते हैं, r1 को लिख सकते हैं हम लोग x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सब लोग जानते हैं रिजॉल्व करने यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन पे x1 i कैप और y1 j कैप। सिमिलरली हम लोग r2 को क्या लिख देंगे, r2 को लिख देंगे हम लोग x2 i कैप प्लस y2 j कैप। क्लियर है ना? तो हम लोग अभी अगर निकालते हैं यहाँ पे डेल्टा आर वेक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 यानी कि x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो अगर i कैप को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये बच जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा आर। तो यदि हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मॉड ऑफ आर निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये तो निकालना सिखाए हैं सबका मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। अगर थ्री, ये तो टू डायमेंशन में निकाले ना हम लोग, ये इन टू डायमेंशन xy प्लेन पे निकाल रहे हैं। तो अगर 3D में निकाले, थ्री डायमेंशन में रिजॉल्व करेंगे, उस समय हम लोग का डेल्टा आर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और जो मैग्नीट्यूड होगा वो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल लिए मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, समझ में आ गया। चलो इस पर एक छोटा सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, लिख लो इसको जल्दी से, इसको लिख लो ऊपर हेडिंग बस लिखे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, इसको लिख लो अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। तो पार्टिकल लैंग्वेज हम लिखते हो, हम डिक्टेट करते रहे। अ पार्टिकल इज इनिशियली एट अ पॉइंट, अ पार्टिकल इज इनिशियली एट अ पॉइंट, एक पॉइंट क्या दिया हुआ इनिशियली 2.4.6 मीटर, ठीक है। अ पार्टिकल इनिशियली एट पॉइंट ए ब्रैकेट में 2.4.6 मीटर मूव्स फाइनली टू द पॉइंट बी। बी कितना है, बी है 3.2 - 3 मीटर। मूव्स फाइनली टू द पॉइंट बी 3.2 - 3 मीटर। Write the initial position vector. Suppose R1 निकालना है तुमको, लिखना है, और R2 लिखना है, final position vector लिखना है। Write the initial position vector, comma, final position vector and displacement vector लिखना है delta R। तो सब लोग जान गया लिखने, ठीक है, सब लोग जानते हो लिखने, तो work नहीं, chapter में इन सबका जरूरत पड़ता है।
तो आर वन कितना लिखोगे तुम, टू आई कैप लिखोगे एक्स वाई जेड में, प्लस क्या लिखोगे, फोर जे कैप लिखोगे, फोर जे कैप, सिक्स के कैप लिखोगे, है ना, स्टार टू लिख दोगे, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस, आराम से समझो, सबको समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक सिंपल, आराम धीरे 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 कॉन्सेप्ट क्लियर करो और क्वेश्चन बनाते रहो तो बहुत मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, और नहीं क्वेश्चन बनाते रहोगे तो फिर भूलते रहोगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा, और इसलिए घर में थोड़ा सा पढ़ाई करो, टाइम बहुत अभी मिलता होगा लॉकडाउन में, तो स्कूल अभी खुला नहीं है, इसलिए पढ़ो घर में ज़्यादा ज़्यादा चीज, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को कवर करो। तो यहाँ पे डेल्टा आर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आर टू माइनस आर वन, तो लिख दो थ्री माइनस टू आई कैप प्लस क्या टू माइनस फोर जे कैप, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस थ्री और माइनस सिक्स के कैप, के कैप, ठीक है, सॉल्व कर लो, आई कैप आएगा माइनस टू जे कैप आएगा और माइनस नाइन के कैप आएगा, यही हो जाएगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड निकाल देना, ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा, ये हो जाएगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर है। तो इस तरह का सवाल सब बनाते रहना है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसको सॉल्व करते रहना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ कुछ और सवाल सब। क्लियर है ना। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहे 10, ये वाला क्वेश्चन तो ट्राई करो। तो चलो ये यूनिट वेक्टर और सबका मिला हुआ क्वेश्चन है छोटा सा, ये लिख लिया हो तो इसको दे रहे हैं यहाँ पे, इसको ट्राई करो थोड़ा। क्या दे रहे क्वेश्चन, फाइंड फाइंड द वेक्टर that must be added to the vector I cap minus 3j cap plus 2k cap and 3i cap plus 6j cap plus 6j cap minus 7k cap so that the resultant vector को टाइम देंगे, ठीक है, दो मिनट का टाइम देंगे, जिनका बन जाएगा वो माइक ऑन करके आंसर देना, सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई डायरेक्शन, अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। तो सवाल में क्या बोला गया कि फाइंड द वेक्टर, कैसा वेक्टर में फाइंड करो जिसको ऐड करने से, मतलब जिसको ऐड कर रहे हैं टू द वेक्टर इतना और इतना, आई कैप माइनस थ्री जे कैप और टू के कैप और थ्री, मतलब जो दिया गया है, ताकि रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस का लॉन्ग। तो इसको बनाओ तो जल्दी से, मतलब जिनका बनेगा आंसर देना। चलो हम दो मिनट का टाइम दे रहे, इसको ट्राई करो। सर हो गया, हो गया, कितना आंसर आया? माइनस फोर आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप, ठीक है, देखते हैं और बाकी लोग बनाए हैं, पता नहीं सर, ठीक है देख बना लो, बाकी लोग बनाओ, बाकी लोग भी ट्राई करो जल्दी से। सब बन गया, बन गया, वाह वेरी गुड, और किसका बना?
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, उतना मतलब कुछ ये नहीं कि बहुत हाई फाई टाइप का क्वेश्चन, नॉर्मल से कॉन्सेप्ट का। तो क्या यहाँ पे बताया कि बोला गया है कि एक यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ जे कैप आएगा, तो सबको पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ, वो क्या होता है, जे कैप, सब लोग जानते हैं हम लोग, वो जे कैप होता है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर कितना होना चाहिए तुम्हारा, जे कैप को हम लोग क्या कर रहे हैं, को ऐड करना है हम लोग को, ठीक है, किस वेक्टर के लिए। तो क्या बोला कि फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड, सो द, मतलब दोनों को वेक्टर को फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ताकि रिजल्टेंट वेक्टर यूनिट, मतलब दोनों को ऐड करने से रिजल्टेंट वेक्टर यूनिट वेक्टर आ जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा, मतलब जो वेक्टर दिया गया है उसको लाने के लिए। तो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप है, ठीक है, और इसको ऐड करते रहें, थ्री आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस सेवन के कैप, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तब माइनस फोर आई कैप आ जाएगा, माइनस टू जे कैप आ जाएगा, है ना, माइनस, हाँ यहाँ तीन, हाँ माइनस टू जे कैप ही आ रहा है, और प्लस क्या आ जाएगा, फाइव के कैप। तो ये हम लोग का हो जाएगा रिक्वायर्ड वेक्टर। तो इस वेक्टर को अगर तुम ऐड करोगे, ऑब्वियसली देखो एक तुमको क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा यूनिट वेक्टर का लॉन्ग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक सवाल था, छोटा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्लियर है बात। और एक क्वेश्चन देते हैं, इसको थोड़ा ट्राई करो, अच्छा इसको थोड़ा ट्राई करो, तो ये तो बना ही लोग, अच्छा ठीक है इसको बनाओ एक बार, एक और क्वेश्चन देते हैं, ये तो बना लोगे, बहुत सिंपल सा है, इसको भी बनाओ एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे दिया गया लेट, सब लोग बनाओ फटाफट, ठीक, ये नहीं कि एक दो जन बनाए, टू आई कैप प्लस जे कैप, ए दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है थ्री जे कैप माइनस के कैप, और सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है सिक्स आई कैप माइनस टू के कैप, ठीक है। तो तुम एक वैल्यू निकालो, वैल्यू ऑफ वेक्टर ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी। अब देखो यूनिट वेक्टर को जब जोड़ना है तो डायरेक्ट मान लो ए प्लस बी को जोड़ना है, तो तीन दो पांच आई पांच, मतलब यहाँ जे कैप है, सॉरी, मान लो सी और ए को जोड़ना है तो क्या होगा, आठ आई कैप और कुछ मान लो रहता है जे के साथ, तो इस तरह जोड़ते हैं आई कैप जे कैप के टर्म में। तो यहाँ क्या बोला है, ए कैप माइनस, सॉरी, वेक्टर ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी का वैल्यू फाइंड कीजिए। चलो बताओ, तो जल्दी बना के स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ टू मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ, तो क्या हो जाएगा, सिक्स जे कैप आ जाएगा माइनस टू के कैप आ जाएगा, क्लियर है ना, स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बताओ कितना वैल्यू आएगा, बोलो फटाफट, यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा, आया किसी का, बनाए कोई, सब बना रहे हैं, हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ एकदम। देखो बनाओ तुम लोग भी, हम बना दे रहे हैं, सिंपल और क्या है, इसको क्या बनाएं, तो तुम लोग समझ ही जाओगे इसको, है ना। तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ए सब लोग बना लेगा इसको, ऐसा कोई बात नहीं है, माइनस टू बी प्लस थ्री सी निकाल रहे हैं। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को कितना, टू आई कैप प्लस जे कैप दिया हुआ है, माइनस टू बी कर रहे हैं, तो टू टाइम्स बी कितना अपने पास, बी दिया हुआ है हम लोग को थ्री जे कैप माइनस के कैप, 20 आई कैप माइनस 4 कैप माइनस 5 के कैप, 20 आई कैप माइनस 4 के कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस 5 के कैप। अच्छा देखते हैं, ऐसे तो 20 आई कैप, अच्छा देखते हैं बना के, ठीक है मिला है ना, और माइनस 4 के कैप आ रहा है। अच्छा ठीक है, बना के देखते हैं, देखते हैं बना के आंसर हम सॉल्व कर देते हैं एक बार। तो 2 हो जाएगा यहां पे ना, 2 और 3 3 हो जाएगा, सी कितना है, 6 आई कैप माइनस 2 के कैप। तो सॉल्व बस कर लो, अगर सॉल्व किया सही तो आ जाएगा, और क्या, 2 आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा, और ये कितना आएगा, माइनस 6 जे कैप आ जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2 के कैप हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 18,
है ना, 18 आई कैप ही ना है सी में, हाँ, और हो जाएगा माइनस 6 के कैप। तो सॉल्व कर लो इसको, देखो कितना आ जा रहा है, तो सॉल्व 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप। हाँ ये सही है, 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप आएगा और माइनस 4 के कैप आ जाएगा, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। बस सॉल्व करना था, तो इस तरह का जो बेसिक बात तो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बेसिक जो सवाल सब है। तो इस तरह प्रैक्टिस करते करते, छोटा छोटा क्वेश्चन करते करते, अच्छा अच्छा क्वेश्चन पे आना है, लेवल बढ़ाना है, इस तरह करते रहना। चलो और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना लो, हाँ सब लोग, अब अपने सबका बनना चाहिए। ये क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो इसको ऊपर करते थोड़ा स्क्रीन को, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ना कि इफ 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 ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, और बी इक्वल टू दिया हुआ है 7i कैप प्लस 24j कैप। तो फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड having the same magnitude, ठीक, as b, और इसमें condition and parallel, ये parallel लिख रहे हैं, ठीक है, parallel to a। चलो इसको try करो, जिनका आएगा पहले mic on करके answer बताना। Question number कौन सा, ये question number जो लिखे हैं board में, ये वाला, a equal to 3i cap plus 4j cap, b equal to 7i cap plus 24j cap, find the vector having the same magnitude as b and parallel to a। magnitude same होगा और a का parallel आएगा, तो पहले तुमको b का magnitude निकाल लेना पड़ेगा, निकाल लो, फिर तुम यूनिट वेक्टर निकाल लेना, है ना। अब देखो a का parallel होगा, सुनो सुनो कॉन्सेप्ट सुनो, सब लोग समझ ही रहा होगा, a का parallel बोल रहे हैं जो वेक्टर आएगा, वो वेक्टर a का parallel है, तो parallel वेक्टर मतलब सर 15i cap plus 20j cap। Very good. 15i cap plus 20j cap is the right answer. Very good. देखो इससे सही है। हाँ सही आंसर है। ठीक है? इससे बिल्कुल ठीक बनाया है। तो देखो कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है तो बना देगा। क्योंकि देखो जो पैरेलल वेक्टर निकालना है हमको a का पैरेलल, तो a का पैरेलल निकालने का मतलब जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन और a का डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम होता है ना, ठीक है, मैग्नीट्यूड कुछ भी अंतर मान लो है भी, लेकिन यहाँ पे a का वेक्टर जो आएगा और जो नया वेक्टर आएगा, मान लो जो भी वेक्टर आएगा, इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड बी के बराबर है लेकिन डायरेक्शन जो है वो ए का पैरेलल है, तो ए का डायरेक्शन निकालने के लिए का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो अगर ये निकाल लेंगे तो गिवन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, तो इस तरह का सवाल जो है आते रहेगा ऑब्जेक्टिव में भी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एक मिनट के कम भी बन जाएगा। ठीक, कैसे बनाओगे देखो, बी का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, देखो एक दो जन बना रहे हैं, सबका बनना चाहिए, ठीक है, सबका हो सकता है बना भी रहे हो, तो जो पहले बना वो बता देना। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना आ गया, ये 649 और इधर 24 का होता है, हाँ टोटल 625 आ जा रहा है, यानी कि 25 यहाँ मिल जाएगा हम लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और डायरेक्शन क्या होगा, ए के डायरेक्शन की तरफ, तो निकालो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, वेक्टर क्या था, वेक्टर ए का है 3i कैप प्लस 4j कैप, और जो मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, मैग्नीट्यूड भी निकाल जाएगा तो 5 आ जाएगा मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर 9 5 25, मतलब 5 आ गया यहाँ पे, तो हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल दिए, ए कैप, इसको ए कैप नाम दो, ए कैप अपने पास क्या आ गया, 3/5i कैप आ गया और 4/5j कैप आ गया। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये तो डायरेक्शन मिल गया, तो वेक्टर जो हम लोग आ रहा है रिक्वायर्ड वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, बी के बराबर, तो मैग्नीट्यूड 25 है और डायरेक्शन ये वाला है, तो डायरेक्शन लिख दो, ठीक है, ये जे कैप होगा, ठीक, जे कैप, तो यहां से
यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ये हम लोग आंसर हो जाएगा. दिस इज आवर रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है, ये हम लोग का रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा. समझ में आ गया, ठीक है, तो ये हम लोग का जाएगा रिक्वायर्ड वेक्टर, क्लियर है. तो और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग प्रोडक्ट वेक्टर पढ़ेंगे, पॉलीगन लॉ पढ़ लेंगे आज, पॉलीगन लॉ थोड़ा बाकी था, पॉलीगन लॉ भी पढ़ लेंगे आज. तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको बनाओ व्हाइट से, लिखते हैं व्हाइट से, विजिबल अच्छा होता है. कितना नंबर क्वेश्चन था, अच्छा नंबर छोड़ो, नंबर तो दिए नहीं था, कोई भी नंबर क्वेश्चन बस लिख लो क्वेश्चन. इसमें लिखो कि देखो टू फोर्सेस एफ वन दिया गया एक फोर्स, एक न्यूटन का, और एक फोर्स दिया गया एफ टू, ये 1 न्यूटन है, ठीक. एक एफ टू फोर्स दिया गया जो कितना है 2 न्यूटन का है, ठीक है. एक्स अलोंग द लाइन, एक्स अलोंग द लाइन, एक्स अलोंग द लाइन, एक लाइन के अलोंग लग रहा है लाइंस, ठीक. एक्स इक्वल टू 0 and y equal to 0 respectively, ये दिया गया. Then find the resultant force. Resultant force निकालो, ठीक. Find. धन्यवाद सर. ऐसा करके आप मतलब क्या बोले, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है. तो ये क्वेश्चन नंबर जो दिया गया, बनाओ इसको जल्दी से. इसको बनाओ. तो यहाँ पे एफ वन है 1 न्यूटन, एफ टू 2 न्यूटन है, और ये एक्स अलोंग द लाइन एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है. फटाफट बनाओ, समझ रहे हो ना क्वेश्चन. पहले कौन बनाया था पहला सवाल, बना के बताओ कितना है इसमें. बहुत सिंपल है सर, रूट ओवर 5 न्यूटन. रूट ओवर 5 न्यूटन नहीं, गलत आंसर है. रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर के टर्म में बताना है. अच्छा मैग्नीट्यूड बताओगे तो सही बता रहे हो शायद, मैग्नीट्यूड सही बता रहे हो. वेक्टर के टर्म में कितना आएगा सर, वेक्टर के टर्म में, रुके 2 मिनट. वेक्टर के टर्म में बताओ, मैग्नीट्यूड में सही बताया, उसमें तो तुमने 4 plus 5 root over कर दिया. हाँ वो सही है, x और y पे है इसलिए plane पे. Sir 2 i cap plus j cap. Very good, 2 i cap plus j cap. ठीक है, 2 i cap plus j cap आएगा. ऐसे से बताया सही है क्योंकि x y plane पे है, तो दोनों का magnitude क्या होगा, root over 1 का square plus root over 2 square 5 हो जाएगा. पर वही समझाने के लिए यहाँ पे इस question को दिए हैं कि देखो x equal to यहाँ पे 0 का मतलब पता है क्या है, कि एक axis मतलब एक force जो है ना, इसका मतलब है कि पहला जो y एक्सिस की तरफ है, ठीक है. इसका मतलब बस ये समझाने के लिए क्वेश्चन दिए थे कि f1 जो वो j कैप हो जाएगा सीधा सीधी, ठीक है. और जब y इक्वल टू 0 बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि तुम्हारा x एक्सिस जो है उसके तरफ है, यानी कि f2 जो है 2 i कैप की तरफ है, ठीक. ऑब्वियसली x y प्लेन पे है, z तो है नहीं यहाँ पे. इसी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, i कैप 2i cap plus j cap, कैसे भी लिख सकते हो. और मैग्नीट्यूड इसने जो बताया था बिल्कुल सही है, ठीक है. कितना हो जाएगा, 4 plus 1 root 5 न्यूटन. तो कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा होगा कि कैसे यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, पैरेलल होगा तो कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, लैमिस थ्योरम कैसे अप्लाई किए, टेल हैंडल मेथड क्या कर रहे हैं, ठीक है. तो इन सभी बातों को कहीं ना कहीं दिमाग में रखना और क्वेश्चन को बनाना है, आराम से बनेगा. तो जितना भी क्वेश्चन भेजेंगे आज, डीपीपी सब भेजेंगे, 1 2 3 सबको सॉल्व करना, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन भेजेंगे,
अगले क्लास के पहले जरूर सॉल्व करना और अपने से बनाओ जो भी किताब बनाते हो। अच्छा ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ। अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये वाला ट्राई करो थोड़ा, लिखो द सम ऑफ इफ इफ ये वाला बताना ठीक है। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, दोनों का सम जो है वो भी यूनिट वेक्टर ही आ रहा है, कोई दो यूनिट वेक्टर का सम जो है वो भी यूनिट वेक्टर आ रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, तो निकालना है फाइंड द, अच्छा सवाल है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालिए। ठीक है चलो दो मिनट का समय देते हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं तब तक बनाओ, दो मिनट का टाइम दे रहे हैं, चाय पी रहे हैं तब तक बनाओ, दो मिनट का टाइम है जल्दी से बनाओ। सवाल समझ गया ना कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस बताओ क्या होगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। थोड़ा अच्छा सवाल है, टाइम लगेगा, मतलब दो मिनट तो लगेगा ही, उससे ज्यादा लगेगा, दो तीन मिनट लगेगा। हाँ तो पहला क्लास की डिफिकल्टी ना सर, दो तीन क्लास के लिए। डिफिकल्ट तो नहीं, इजी है, थोड़ा सा दो मतलब बस कैलकुलेशन थोड़ा करना है सर। अंडर रूट थ्री डिफरेंस, अंडर रूट थ्री, हाँ ठीक है सर, अंडर रूट थ्री ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है दोनों का आंसर सही है, बाकी लोग बनाए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो मिनट तो ज्यादा टाइम बोले। यस सर अंडर रूट थ्री, हाँ वेरी गुड, ठीक है सभी को समझ में आ गया होगा। तब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, तो एन वन कैप एन टू कैप दो यूनिट वेक्टर मान लो, तो उसका सम जो है मान लो एन एस मान लेते हैं, देखो जो नहीं बनाए हो वो देख लो, ये जो लोग बनाए वो भी देख लो एक बार, एन एस जो होगा वो क्या होगा, एन वन कैप प्लस एन टू कैप हो जाएगा ना, तो मैग्नीट्यूड जब लोगे एन एस का तो क्या होगा, एन वन का स्क्वायर हो जाएगा, एन टू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2n1n2 cos थीटा हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है यूनिट वेक्टर का हम लोग पता है, तो 1 + 1 + 2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ns भी यूनिट वेक्टर, तो ये भी 1 ही हो जाएगा ऑब्वियसली, तो 2 + 2 cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लें, cos थीटा कितना हो जाएगा हम लोग के पास, ये हो जाएगा -1/2, तो थीटा कितना होगा 120 डिग्री हो जाएगा थीटा। अब डिफरेंस निकाल लो, तो डिफरेंस में भी लिख दो उसी को, तो डिफरेंस पे डायरेक्ट लिख देते हैं डिफरेंस के लिए, ठीक। तो डिफरेंस के लिए लिख दो क्या होगा, यहाँ पे एन डी का स्क्वायर, तो क्या होगा ये 1 + 1 होगा, और डिफरेंस में हम लोग सीखे थे वेक्टर में माइनस हो जाता है, यहाँ 180 माइनस कॉस थीटा की वजह से -2 कॉस थीटा आता है, तो लिख दो -2, थीटा निकाल लिया 120 डिग्री, ठीक सॉल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कॉस 120 का जो होता है -1/2, तो हो जाएगा कितना यहाँ पे हम लोग का सॉल्व कर लो, तो शायद ये कितना रहा है +2 + 4 तो 3 आ जा रहा है ना, हाँ 3 आ जा रहा है, तो डिफरेंस क्या आएगा √3, दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे सवाल सबको सॉल्व कर देना है फटाफट, ये सब ऑब्जेक्टिव में रहता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो तुम लोग का तो नीट का बैच है, नीट का बैच है ना, मेडिकल, हाँ मेडिकल का बैच है। इसमें देखो फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है एग्जाम्स में, 45 क्वेश्चन रहेगा जब तुम एग्जाम दोगे, और तुम्हारे पास टाइम भी काफी लिमिटेड रहता है, एक घंटा में तुमको एटलीस्ट 40-45 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है ठीक अच्छा ही रहता है, मतलब कंपटीशन एग्जाम तो जरूर अच्छा ही रहेगा, लेकिन कैसे कवर करोगे वो अभी पे अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हर दिन तुमको अपने स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ मैक्सिमम टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में देना है, चाहे तुम वो प्रीवियस ईयर बनाओ या भी कोई भी किताब है जो तुम्हारे पास, एलएलएस हो गया, अरिहंत हो गया, सिंगेज हो गया, या फिर जो कोचिंग का मटेरियल है, तो किसी भी चीज को तुम बना सकते हो, लेकिन डेली बनाओ,
जितना चीज पढ़ोगे डेली बनाओगे उतना तुमको प्रैक्टिस हो जाएगा और हाथ बैठ जाएगा बनाने में सवाल सब, तो फटाफट सॉल्व कर पाओगे। फिजिकली कौन सा बुक अच्छा रहेगा मतलब नीट को देख के? नीट के लिए देखो एससीओ में पढ़ो, एससीओ ऐसे तो मतलब अच्छा किताब है, जेईई मेंस तक के लिए भी अच्छा है, लेकिन अच्छा ही किताब पढ़ो क्योंकि अभी से एससीओ में अगर बना लोगे तुम नीट का तैयारी करते हुए भी तब भी तुम्हारा एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो फिर अगर तुम एससीओ में अच्छे से बना लोगे तो किसी सवाल में नहीं फंसोगे, ये गारंटी एकदम। मतलब नीट का पेपर दोगे या एम्स का दोगे तो एससीओ में जरूर पढ़ना शुरू करो क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेस्ट किताब है साथ में, ठीक है। और साथ में सवाल बनाने के लिए जो भी किताब अवेलेबल है सारा किताब अच्छा होता है, सब में क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो जो किताब है अगर नहीं खरीदना नहीं पड़ेगा कोई है तो, नहीं तो तुम मेगा एग्जाम जो अपना है स्मार्ट टिप का उसमें वेक्टर का सवाल सब बहुत मिल जाएगा तो उसमें बना, उसमें चाहे 300-400 क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है छोटा छोटा इजी टफ मतलब नॉर्मल वे कंसेप्ट पे भी है वो सब भी बनाओ। जब तक किताब नहीं खरीदोगे उसको भी बनाते रहो आराम से, जहां से मिलता है सवाल बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे थोड़ा सा पॉलीगन लॉ देखते हैं। पॉलीगन लॉ भी तुम लोग सीख चुके हो ऐसे, मतलब नया से कोई चीज नहीं है बस लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे देखते हैं पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तुम लोगों को हम पढ़ाए होंगे क्लास में जिसमें हम लोग ये प्रूफ किए थे कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है, ठीक है। एक प्रूफ किया तो उस समय कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। उस समय हम लोग कहीं ना कहीं से ये देखे थे कि एक पॉलीगन लॉ का यूज किए थे मतलब इनडायरेक्टली। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है, देखो पॉलीगन लॉ क्या कहता है, जैसे मान लो कि तुम वेक्टर यहां पे लिख रहे हो वेक्टर ए, ठीक, और यहां पे तुम एक वेक्टर ले रहे हो वेक्टर बी, दो वेक्टर लिए हो तो ये दो वेक्टर का तुम्हें रिजल्टेंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इनका हेड ए का जो हेड है वो वेक्टर बी के टेल के साथ कोइंसाइड किए हो तो यहाँ पे तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल जाएगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। अभी हम लोग क्या करें, फर्दर यहाँ पे और एक वेक्टर ऐड किए, यानी कि वेक्टर जो बी है उसके हेड के साथ वेक्टर सी के टेल को कोइंसाइड करा दिए, हेड टेल कोइंसाइड ऐसे, ठीक। तो इनका एक रिजल्टेंट मिल जाएगा इन तीनों का, यानी कि ए बी का रिजल्टेंट ये एरो डॉटेड से बनाते हैं डॉट एरो से, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा एक मिलेगा, ये मान लो कि हम लोग सपोज लिख लो आर ले लिए, तो जो आर का जो हेड है वो फिर से सी के साथ के टेल के साथ कोइंसाइड करेगा, तो क्या इस बार हम लोग को ऐसा रिजल्टेंट नहीं मिलेगा, इस तरह मिलेगा ना, तो यही तो रिजल्टेंट आर होगा। या इसको अगर एस नाम दे दो, ठीक है, इसको एस दे दो, फाइनल को आर लिख देते हैं, इस वेक्टर का नाम एस दे दो। तो अब जो हल्का फुल्का बताए थे, हाँ बताए थे तो ये आर हो जाएगा, यही तो पॉलीगन लॉ है। तो यानी डायरेक्ट तुम क्या लिखोगे, अब ये ए लिखोगे, ठीक, यहाँ पे कुछ रटने का बात नहीं इसमें, बस समझ जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। ये बी हो जाएगा, ये तुमने सी जोड़ दिया, ऐसे जोड़ते रहोगे तो तुम्हारा पॉलीगन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे तुम सी जोड़ दे रहे हो, तो देखो अब इसको लिख नहीं रहे, डायरेक्ट रिजल्टेंट लिख दे रहे, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ये आर आ जाएगा, ठीक है। और यही आर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही आर तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसी को बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ज्यादा एप्लीकेशन तो नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, तो लिख लो जो लिखाए हैं, देख स्टेटमेंट बता दे रहे हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर दो फिर हम स्टेटमेंट डिक्टेट कर देंगे, लिख लेना, ठीक, स्टेटमेंट डिक्टेट कर देंगे, पहले तुम डायग्राम ड्रॉ कर लो। इसी से हम लोग एसोसिएटिव लॉ भी प्रूफ किए थे, देख पता होगा बताए थे, तो देख लेना एक बार कॉपी में होगा लिखा हुआ। सर वो एरेट के बैच के बच्चों को ना पीडीएफ भेज दीजिएगा, तो मांग रहा था लेक्चर नोट्स का, बोल देगा सर को भेज देना एक बार, विशाल सर को बोल देंगे भेज देना। तो इसको लिख लो अपने वर्ड में, ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं लिखा रहे, बस लिख लो अपने वर्ड में कि ये क्या करेगा, कि अगर हम लोग टेल टू हेड ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है,
तो r जो का रिजल्टेंट देगा हमेशा, तो उसको लिख लो. दिस स्टेट्स दैट, हम डिक्टेट कर लिख लो, ऐसे कभी पढ़ोगे तो याद रहेगा. दिस स्टेट्स दैट इफ अ वेक्टर पॉलीगन बी ड्रॉन, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ द वेक्टर पॉलीगन बी ड्रॉन, इफ द वेक्टर पॉलीगन बी ड्रॉन, बीईबी ड्रॉन कॉमा देखे, प्लेसिंग द टेल एंड, प्लेसिंग द टेल एंड, प्लेसिंग द टेल एंड ऑफ इच सक्सीडिंग वेक्टर, प्लेसिंग द टेल एंड ऑफ इच सक्सीडिंग वेक्टर, प्लेसिंग द टेल हेड टेल एंड ऑफ इच सक्सीडिंग वेक्टर एट द हेड ऑफ, एट द हेड, placing the tail end of each succeeding vector at the head or the arrow end, at the head or the arrow end of the preceding one, of the preceding one. Obviously मतलब head tail coincide कर रहा है, वही बताया गया है. of the preceding one their resultant r is drawn, their resultant capital r is drawn from tail end, from tail end of the first, from tail end of the first to the, from tail end of the first to the head end of the last, head end of the last. dekh rahe ho yahan pe jo first ka tail end hai, ये बस याद रखना है, यहाँ का जो फर्स्ट का जो टेल एंड है उसको लास्ट वेक्टर के हेड एंड से कनेक्ट किए, तो यही होगा पॉलीगन लॉ. बस यही पॉलीगन लॉ, कितना ही बड़ा पॉलीगन बनेगा, रिजल्टेंट हमेशा फर्स्ट वाले के टेल एंड से लास्ट वाले के हेड एंड को जोड़ देना, बस यही हो जाएगा तुम्हारा पॉलीगन लॉ. ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत कुछ बात कर लिए हैं पहले क्लास से लेके, वेक्टर क्या होता है सर भी दो क्लास लिए तो उसमें भी बताए हैं बहुत कुछ. तो अभी तक हम लोग बहुत चीज डिस्कस किए हैं, जैसे वेक्टर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उसके बाद हम लोग एडिशन देखे थे, एडिशन में ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, फिर सबट्रैक्ट करने का तरीका देखे कि बेसिकली हम लोग जोड़ते ही हैं दो वेक्टर को एक नेगेटिव वेक्टर के साथ. इसके बाद हम लोग कॉम्पोनेंट रिजोल्यूशन देखे, रिजोल्व कैसे करते हैं टू डायमेंशन में, फिर हम लोग देखे थ्री डायमेंशन में कैसे रिजॉल्व करें एक्स एंड कोसाइंस का, फिर हम लोग बात किए थे यूनिट वेक्टर का कुछ प्रॉब्लम्स, और इसके अलावा लैमीज थ्योरम कि जब तीनों फोर्स या फिर तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो जीरो होगा तो हम लोग लैमीज थ्योरम को यूज कर सकते हैं, वो सब बात किए, थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन भी बीच में किए थे. तो अब हम लोग का जो बाकी जो है मतलब बेसिकली जो पढ़ना है हम लोग को जो सेक्शन वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और थोड़ा बहुत बीच में कुछ कुछ और बताएंगे जैसे कि स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये सब भी थोड़ा पढ़ना है. तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मतलब दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन. अब जैसे स्केलर में तुम पढ़ते हो बचपन से, ठीक, स्केलर में पढ़ते हो बचपन से कि स्केलर को जोड़ते हैं नॉर्मली 5+5 या फिर मल्टीप्लाई करते हैं 5×5, तो वेक्टर को तुम लोग ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसे ऐड नहीं कर पाए स्केलर की तरह, तो डेफिनेट ऑब्वियस सा बात है उसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएंगे स्केलर की तरह. तो इसके लिए भी कुछ स्पेशल एलजेब्रा वेक्टर का बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट. तो वो दो तरीके का होगा, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट, यानी यदि दो वेक्टर को जोड़ेंगे, ठीक है, दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्टेंट अगर मतलब जो प्रोडक्ट है वो अगर स्केलर हो, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल के लिए वर्क डन, जैसे पढ़े हो क्लास 9 में वर्क,
तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो उस क्यों स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि बेसिकली वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन इनका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो तुम्हारा क्या आता है, स्केलर आ रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें डॉट प्रोडक्ट लेके चलते हैं वर्क में। तो वर्क इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे यदि दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन भी वेक्टर ही आए, जैसे मान लो कि टॉर्क, जिसको हम लोग टाउ से नोट करते हैं, जिसको तुम 11th क्लास में पढ़ोगे आगे रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर में, तो टॉर्क एक क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो टॉर्क को हम लोग लिखते हैं टाउ, टाउ मतलब ऐसे डिनोट करते हैं, स्क्रीन पे लिख रहे हैं, ऐसे डिनोट करते हैं टाउ को टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क बेसिकली फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये भी वेक्टर ही आता है, तो टॉर्क को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोगों को फिजिक्स में दोनों का काफी जरूरत पड़ेगा, एक तो डॉट प्रोडक्ट का भी, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट का भी, ठीक है। तो हेडिंग पे लिख लो, आज हम लोग शुरू करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हेडिंग पे लिख लो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके अलावा कुछ भी और भी बताना पड़ेगा मुझे अगर, तो प्रोडक्ट के बाद बताएंगे जो भी बचा हुआ होगा, जैसे कि कुछ कुछ टर्म और आएगा तो सब बताएंगे हम। अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है। कोई भी टॉपिक छूटा होगा वेक्टर में जिस, अभी तो मतलब चलेगा क्लास, क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो ग्रुप में एक बार लिख देना कि इस टॉपिक को बता दीजिए, नहीं बताएं तो फिर उसको हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे सब कुछ बताएंगे ए टू जेड, तो क्वेश्चन के साथ। अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, उसके बाद जो बचेगा टॉपिक वो सब बताएंगे। तो चलो यहाँ देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यानी मल्टीप्लीकेशन कर रहे वेक्टर का, ठीक, दो तरीके का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एक जो टाइप है प्रोडक्ट का वो होता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डिटेल्स में इसको हम लोग वही पढ़ेंगे। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक। तो दो तरीके का यहाँ पे वेक्टर एडिशन होता है। तो पहले बात करते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट का, नंबर वन हम लोग बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट का या फिर डॉट प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का, ठीक। जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ तुमने एक फोर्स लगाया, ऐसे एक तार बांध दिए हो इस ब्लॉक पे, एक कोई धागा होगा बांध दिए हो, ऐसे पुल कर रहे हो इसको, खींच रहे हो, और ये वाला जो फोर्स है ना, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस के साथ, मतलब इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगा मान लो, ठीक है। और तुम क्या किए, इस ब्लॉक को ऐसे खींच के थोड़ा सा कुछ दूरी पे इसको मूव करा दिए, मान लो यहाँ तक मूव कराए हो, तो तुमने बेसिकली वर्क डन किया, है ना, वर्क डन किया, 9th क्लास में पढ़े हो, इस ब्लॉक को मूव करना है तो वो वर्क डन करना पड़ेगा, एंगल तो यही रहेगा थीटा, ऐसे खींच रहे हो, ये फोर्स मैग्नीट्यूड है। तो तुमको अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि इन दोनों का वर्क डन का वैल्यू कितना आया, ये वर्क डन कितना आया ऐसा करने पे, तो तुम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। देखो जैसे इस फोर्स का दो कॉम्पोनेंट होगा, तुमको पता ही है वेक्टर से, इस फोर्स को एफ वाई, इधर एफ वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, एफ वाई मतलब जे कैप के तरफ, और इधर ऑब्वियस सा बात एफ एक्स आ जाएगा, दो कंपोनेंट होगा। तो एक एफ एक्स वेक्टर अगर तुम ड्रॉ करोगे ऐसे, तो तुम्हारा इधर क्या हो जाएगा, एक एफ वाई वेक्टर भी हो जाएगा, एफ वेक्टर का कंपोनेंट एफ एक्स, और एफ का कंपोनेंट क्या एफ एक्स है, और इधर एफ वाई था तो ये थीटा हो जाएगा, और इधर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी है, ऑब्वियस सा बात है ब्लॉक इधर ही तो डिस्प्लेस करेगा, इस इधर देखो रेड से बना रहे हैं, ब्लॉक डिस्प्लेस तो ऐसे ही करेगा, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इनका जो वर्क डन होगा ना, ये हम लोग को मिलेगा, देखो क्या ये मिलेगा हम लोग को, फोर्स डॉट एस, ऐसे हम क्यों लिखे एफ डॉट एस। तो देखो बेसिकली जो फोर्स है, तो फोर्स का जो एक्स कॉम्पोनेंट ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा,
तो एफ एक्स कॉम्पोनेंट को क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ठीक, और वाई कॉम्पोनेंट एफ साइन थीटा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा लिख देंगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, इसको इस तरह लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, यही हमको क्या देगा, वर्क डन दे देगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों के बीच का एंगल, इसको इसको बोलते स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, इसी को हम लोग बोलते स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। यानी कि हम लोग क्या किए, कॉम्पोनेंट लिए हैं, है ना, जिधर डिस्प्लेसमेंट था उस डायरेक्शन में एक फोर्स का कॉम्पोनेंट लिए। तो इन जनरल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई दो वेक्टर है, इन जनरल अगर ये वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, यानी कि ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये जो इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। तो जो वैल्यू आएगा इस ए डॉट बी का, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखो इसको हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए डॉट बी को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम, कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो दिस इज कॉल्ड योर डॉट प्रोडक्ट इन वेक्टर ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट इन वेक्टर। समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कुछ स्पेशल केस लेते हैं। yes, sir. क्या आ गया, बोलो, कोई कुछ बोल रहे थे क्या, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो इसको ए डॉट बी को हम लोग मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है, स्पेशल केस। तो क्या हो जाएगा, यदि थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री होगा तो ए डॉट बी मैक्सिमम हो जाएगा, दिख ही रहा है सबको, कॉस जीरो वैल्यू वन होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या आएगा, ए बी आ जाएगा, विच इज मैक्सिमम, ठीक, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है, वन, सबको पता है। यदि हम लोग यहां से तो पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन मिलता है हम लोग को, वर्क अगर निकालते हैं तो 180 हो गया, तो ए डॉट बी नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी मिलेगा, जो कि मिनिमम होगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, जीरो डिग्री माइनस वन होता है, सॉरी ये माइनस वन होता है, इसलिए ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग 90 लेंगे थीटा को परपेंडिकुलर, तो मिनिमम वैल्यू आएगा ए डॉट बी, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। जीरो वेक्टर मत यहाँ डालना, क्योंकि स्केलर नहीं है ये, सॉरी वेक्टर नहीं, स्केलर है, इसलिए नल वेक्टर नहीं, सिर्फ जीरो, सिर्फ नल, तो हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ये नेगेटिव का मैक्सिमम, ठीक। तो अगर परपेंडिकुलर कर दे रहे हैं तो जीरो आ जा रहा है, और भी चौथा एक क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये वन नंबर कर दो, ये टू कर दो, ये थ्री कर दो, और फोर्थ वन क्या लिखते हैं कि मान लो यदि थीटा एक्यूट रहेगा ना, इफ थीटा इज एक्यूट, ठीक है, अगर एक्यूट रहेगा थीटा का वैल्यू, एक सेकेंड रुको, यदि थीटा क्या रहेगा, एक्यूट रहेगा, तब ए डॉट बी हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसको भी याद रखना, तब ए डॉट बी हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव होता है एक्यूट के लिए, सबको पता होगा, बचपन 9-10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और पांचवा पॉइंट, अगर ऑब्ट्यूस हो जाएगा, यदि क्या होगा, थीटा ऑब्ट्यूस हो जाएगा, तब तुम्हारा ए डॉट बी क्या हो जाएगा, तब उस समय नेगेटिव हो जाएगा, ठीक, क्योंकि
ऑब्ट्यूज के लिए कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो ये सब कुछ बेसिक बात हम लोग कर लिए हैं, और ये भी पता है, बार बार बोल दे रहे कि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आएगा क्योंकि नाम ही स्केलर प्रोडक्ट है। तो अगर तुम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर होता है। हाँ, नल वेक्टर में मैग्नीट्यूड जीरो होता है, ऊपर डायरेक्शन रहता है, तब बोलेंगे नल वेक्टर। ठीक, ये वेक्टर ही एक तरह का, जैसे मान लो कोई वेक्टर प्रोडक्ट का जीरो आ जाए तो नल वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर होता है। लेकिन ये तो स्केलर है तो ये नल वेक्टर नहीं रहेगा, ये सिर्फ जीरो रहेगा क्योंकि इट इज अ स्केलर। क्लियर है ना, ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। ओके सर। ओके, तो ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बना लो, जानते हो बनाने, वाई हो गया, इधर जे कैप ले लेंगे, फटाफट बनाओ, ये सब देखना नहीं पड़ेगा, अभी तुरंत सीख जाओगे, और क्वेश्चन मत बनाना घर, मतलब घर में बैठ के इसके बाद, ठीक है, क्लास के बाद। तो ये हो जाएगा के कैप और ये जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखो आई डॉट आई करेंगे तो कितना आएगा, वन आ जाएगा, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड वन होता है, वन वन मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल जीरो डिग्री, कॉस जीरो वन होगा, वन इंटू वन इंटू कॉस जीरो, तो कितना आएगा वन, तो इसलिए आई डॉट आई वन, जे डॉट जे बी वन, और के डॉट के भी वन, ये वन आ जाएगा। सबको क्लियर होगा, आई डॉट आई मतलब वन इंटू वन इंटू कॉस जीरो, तो वन ही आएगा। और यदि हम लोग आई डॉट जे लेते हैं, ठीक है, या फिर जे डॉट आई लेते हैं, देखो दोनों को सेम क्यों लिखे, i डॉट जे और j डॉट आई, क्योंकि स्केलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, i डॉट जे लिखो या j डॉट आई लिखो, डायरेक्शन का तो मतलब क्या है, हमको स्केलर आएगा इसका प्रोडक्ट, तो जो भी आएगा 5 4 1 2 3 a नंबर आएगा, इसलिए कोई मतलब नहीं है, इसलिए i डॉट आई, j डॉट आई, या फिर j डॉट k, या फिर k डॉट j, ठीक, या फिर यहां इक्वल यहां लिख रहे हैं, देखो ध्यान से नोट करना कॉपी में, या फिर अगर हम लिखेंगे k डॉट आई या आई डॉट के या आई डॉट के, इन सब का जो वैल्यू है ये कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि i और j के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो 1 इनटू cos 90 जीरो, तो ये सब जीरो आ जाएगा। क्लियर है ना ये बात, ये सब समझ में आ गया होगा, ये और ये, ठीक है, बहुत बेसिक सा बात है। तो इसको कॉम्पोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एक बार। हाँ चलो जल्दी फटाफट थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे, अभी देख लो। तो इसको हम लोग कॉम्पोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कि एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक वेक्टर बी दिया हुआ है जो हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हमको यहाँ पे ए डॉट बी निकालना है अगर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी निकालना है, तो लिख दो एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और डॉट साथ में डॉट, यहाँ पे डॉट करके फिर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो इसको तुम डॉट पर निकाल लो, और क्या हो जाए, के कैप भी है, ठीक है, तो सबको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने से तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब सॉल्व करोगे तो ए डॉट बी को, तो देखो यहाँ पे जहां जहां आई डॉट आई है वही सब बचेगा, और बाकी जहां पे i डॉट j या j डॉट i या j डॉट k आ रहा है वो सब तो हट जाएगा, जीरो हो जाएगा सारा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हम लोग का बचेगा वो ऐसा कुछ बचेगा, देखो ax और bx इनका हो जाएगा i डॉट i, ठीक है, बाकी और कहीं i डॉट i नहीं बचेगा, और क्या हो जाएगा, प्लस एक ये वाला टर्म बच जाएगा हम लोग का j डॉट j में, ay और by बच जाएगा j डॉट j, ठीक है, बाकी ऐसे सॉल्व करेंगे तो ax bx i डॉट i फिर ax by i डॉट j, तो i डॉट j i डॉट k k डॉट j,
ये सब तो अंडर जीरो हो जाएगा ना, सिर्फ क्या बचेगा आई डॉट आई और जे डॉट जे, ठीक। और ए जेड बी जेड हो जाएगा के डॉट के, ठीक है, ये बस बचेगा। तो यहां से क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, सीधा हम लोग को यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा ए डॉट बी का। तो कॉम्पोनेंट फॉर्म में हम लोग आराम से ऐसे लिख सकते हैं, टू डायमेंशन हो चाहे थ्री डायमेंशन हो, हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। आराम से नोट डाउन करते रहो। चलो एक दो सवाल कराएंगे इस पे भी अभी और फिर छोड़ देंगे, दो घंटा ऑलमोस्ट होगा तो हम लोग 5:30-15 तक छोड़ देंगे, ठीक है। इसको बस लिख लो थोड़ा, यहाँ तो नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी फटाफट। कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं फिर। सर ये YouTube में अपलोड कर दीजिए ना, कुछ कुछ पार्ट छूट गया। YouTube में अपलोड कर देंगे, नहीं नहीं अभी तो हम ये पढ़ा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। YouTube में अपलोड कर देंगे, लिंक ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। रात में अपलोड होता है तो कल तक आ जाएगा YouTube में। सर YouTube में अपलोड कर दीजिएगा ना, ठीक है, लिंक भेज देंगे ग्रुप में तुम लोग को। हाँ तो टेंशन मतलब छूट गया तो पीडीएफ भी मिल जाएगा और वीडियो तो रहेगा ही, तो देख लेना, ठीक है। अभी आराम से लिखो, ऐसे छूटने से बोलना, हम स्लो हो जाएंगे। ये नहीं है सर, आज डॉट प्रोडक्ट वाला है। ये क्लास 9 का था। ठीक है, लिख लिए हैं सब लोग? लिखे हैं क्या सब लोग? हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर। हाँ सर बढ़िया, ठीक है, ओके। चलो एक प्रॉपर्टीज में भी देखते हैं, ठीक। अच्छा बताओ, तुम ही लोग से पूछते हैं तो बता ही दोगे, नॉर्मल सा बात है। क्या डॉट प्रोडक्ट क्या कम्यूटेटिव होगा? होना तो चाहिए सर। होगा, होना चाहिए क्या? स्केलर तो होगा। ए डॉट बी, बी डॉट बी सेम तो होगा, अभी तो देखे आई डॉट और इसमें, ठीक है, होगा ही, स्केलर है तो। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट लिख लो। तो क्या हो जाएगा पहला? पहला हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो पहला हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, ठीक, कम्यूटेटिव फॉलो करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम हो जाएगा, स्केलर है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से। यही अगर वेक्टर प्रोडक्ट तो नहीं करता, ठीक। अभी हम लोग देखे कि आई डॉट आई जे जो है और जे डॉट आई दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, तो कम्यूटेटिव फॉलो करता है। दूसरा कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे ए डॉट बी प्लस सी, याद रखने से प्रॉपर्टी काम आएगा सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। तो जैसे ए डॉट बी प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन है, तुम उसको ऐसे लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी, जिस तरह आएगा उस तरह लिख सकते हो, ठीक है। और परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता ही है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट अगर इस सेल्फ निकाले हम लोग तो उसका मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएगा? जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे एक चीज देख, नोट करके इसको लिख लो थोड़ा, यूनिट वेक्टर का तो वन आता है, लेकिन अगर नॉर्मल कोई वेक्टर लेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इट सेल्फ तब क्या होगा? तो जैसे कि a डॉट a लिख रहे हैं, यूनिट वेक्टर लेंगे तो वन आ गया था, देखे थे ना, a डॉट a ले रहे हैं, तो यहाँ पे a a cos थीटा लिख लेंगे, थीटा 0 डिग्री ले लेंगे ना,
अपने डायरेक्शन में लेना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए डॉट ए जो होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट ए जो होगा वो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो ही मिल जाएगा हम लोग को, समझ में आ गया। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि अगर ऐसे कहीं पे तुमको दिखेगा कि अपने वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो आराम से तुम इसका जो वेक्टर है, ठीक है, ए डॉट ए, तो उसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल, उस वेक्टर का तुम क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकाल दे रहे हो। तो मॉड ऑफ जो ए है ये तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर ए डॉट ए, क्लियर है बात। इसी को जस्ट लिखे हैं इस तरह सजा के, इसी को सजा के लिखे थोड़ा वेक्टर के टर्म में, तो मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा, समझ में आ गया। मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे कोई वेक्टर है, मान लो पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग दोनों का डॉट निकालना है, यानी कि P प्लस क्यू का ही डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ये कुछ वेक्टर देगा ना P प्लस क्यू, मान लो S दे देगा, तो इन दोनों का खुद का ही डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ P प्लस क्यू का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। रिजल्ट निकालते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, ये तब सीधा हो जाएगा P, जैसे यहां लिखे हैं P डॉट Q, P प्लस क्यू डॉट P प्लस क्यू कर देंगे, ठीक। और इसको सॉल्व कर देंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 P डॉट Q, मैग्नीट्यूड P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 P डॉट Q। तो यहां से कितना लिखेंगे, तब इसको लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, डॉट को लिख दे रहे हैं, समझ में आ गया, डॉट डॉट को लिख दे रहे हैं P डॉट क्यू कॉस थीटा, सॉल्व कर रहे हैं देखो ध्यान से स्क्रीन पे। तो यहां से फिर तुम्हारा निकल जाएगा मैग्नीट्यूड, अगर सिमिलरली अगर ऐसा निकाला जाए माइनस करके, मतलब ये अगर माइनस वेक्टर रहता पी माइनस क्यू रहता, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना इट सेल्फ, तो कुछ नहीं यहाँ पे बस ये आ जाता माइनस 2 पी डॉट क्यू आया, ये भी याद रखना रिजल्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ये सब तुमको ऑब्जेक्टिव सवाल बनाओगे तो कहीं ना कभी यूज पड़ता है, ठीक है। तो बार बार प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, याद रहेगा आइडेंटिटी सारा, तो आराम से तुम सॉल्व कर लोगे तुरंत, ये सब बात याद रखना, ठीक, ये सब बात याद रखना। चलो और कुछ कुछ रिजल्ट देखते हैं, थोड़ा सा और बस 10 मिनट छोड़ देंगे। अभी अगर निकालेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, नोट टू में लिख देते हैं, ठीक, तो रिवाइज करते हैं घर में। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का निकालना है, तो ऐसे निकाल सकते हैं, वेक्टर ए एंड बी, तो हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए डॉट बी हो जाएगा। लास्ट नेक्स्ट क्लास इसका प्रॉब्लम कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हो जाएगा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा होता है, तो cos थीटा से निकाल दो a डॉट b, ठीक, डिवाइड बाय मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b, यानी कि ab, ठीक। जैसे कंपोनेंट में रहेगा तो a डॉट b का कंपोनेंट क्या निकाले थे हम लोग, यहाँ पे देखो a1 b1 निकाले थे ना, a1 b1 a2 b2, देखो यहाँ पे कंपोनेंट, ये देखो ax bx ay by az bz, तो अगर किसी यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट के टर्म में दिया हुआ है तो निकालो ऐसे a1 b1 प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, डिवाइड बाई कर लेना रूट ओवर ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर, है ना, इसका मैग्नीट्यूड ए बी का, और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी वन का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस बी थ्री का स्क्वायर। तो ऐसे मैं एंगल निकाल सकते हो तुम आराम से, यहाँ सर आवाज नहीं आ जाएगा, आवाज नहीं आ रहा है, अच्छा। तो बोल रहे थे कि एंगल निकालने के लिए कि अगर दो वेक्टर ए और बी है तो ए डॉट बी हम लोग जानते हैं होता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा ए डॉट बी बाई ए बी, मतलब ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी, अगर किसी यूनिट वेक्टर के टर्म में रहता तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस
बी थ्री जेड करके रहता तो ए डॉट भी मिल जाता हम लोग को, ये वाला ए वन बी वन जैसे ऊपर निकाले यहाँ ऐसे निकाले है ना, ऐसा मिल जाता तो ये वाला मैग्नीट्यूड मिलता वाई ये मिलता लास्ट पे बी थ्री स्क्वायर नहीं होगा क्या? हाँ बी थ्री है, ये बी थ्री है, ठीक है बी थ्री है। तो कॉस थीटा क्या होगा, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक। तो ये सब समझ में आ गया है। नोट टू में नोट थ्री में और एक चीज देखो, नोट डाउन कर लिए सब लोग कि छूट जा रहा है? हाँ सर कर लिया, ठीक है। बोलना का छूट गया तो हम ऊपर कर देंगे स्क्रीन, कोई दिक्कत होगा तो बोलते रहना, ही नहीं कि हम पढ़ाते जा रहे हो कुछ बोल नहीं रहे हो तो नोट डाउन भी नहीं कर पा रहे हो तो बोलना रुक जाएंगे, स्क्रीन में दिखना चाहिए ना तुम लोग को। तो मान लो कि अगर मॉड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तुमको ये कोई क्वेश्चन देखिए, इफ मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, तो एंगल बिटवीन ए बी 90 का तुमको प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए कि एंगल बिटवीन ए और बी क्या होगा 90 होगा, बी क्या होगा इस 90, ये प्रूफ करना है, सपोज ये तुमको प्रूफ करना है, ठीक। तो इसको तुम देखो डॉट प्रोडक्ट से तुरंत निकाल दोगे, कैसे निकालोगे बहुत सिंपल है, स्क्वायरिंग बुद्ध सेट कर दो, स्क्वायरिंग बुद्ध सेट कर दो, स्क्वायरिंग बुद्ध सेट कर दो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, और क्या सिखा है स्क्वायरिंग करने से, यहां बचेगा टू और यहां रह जाएगा ए डॉट बी, देखो इसका काम आएगा हम लोग काम आया जो हम लोग अभी सीखे थे इटसेल्फ वाला मतलब, ठीक है ए प्लस बी का सीखे थे भी जस्ट, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा टू ए डॉट बी, तो इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा ए ए और ये बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा फोर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो फोर तो जीरो होगा नहीं, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ऊपर कर देना थोड़ा ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक। तो a डॉट बी कितना हो जाएगा, a डॉट बी हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे जीरो, मतलब प्रूफ हो गया। तो यानी कि एंगल कितना, तब थीटा 90, अगर a डॉट बी जीरो है तो थीटा 90 cos थीटा का वैल्यू थीटा 90, तो ये परपेंडिकुलर हो गया कि a डॉट बी जो होता है वो तुम्हारा जीरो आ गया, तो थीटा 90 हो जाएगा, ठीक है ये प्रूफ हो गया, क्लियर है बात, लिख लो जल्दी से। एक और प्रूफ बता के भी छोड़ देंगे, लास्ट एक बस बताते हैं नोट थ्री नोट फोर, फिर हम लोग क्लोज करते हैं क्लास, फिर अगला क्लास में हम लोग यहीं से सवाल बनाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और इसका कुछ क्वेश्चन बनाएंगे पहले डॉट प्रोडक्ट का, और जो सीट भेजेंगे उसको सॉल्व करो घर में आराम से, ये 90 डिग्री है, ठीक। चलो नोट फोर, नोट फोर पे लेते हैं सपोज कि मान लो ए डॉट ए प्लस बी और डॉट कर रहे हैं ए माइनस बी के साथ, ए माइनस बी के साथ, हाँ ये जीरो है अगर, तो प्रूफ करो तुम, प्रूफ करो तब कि ए और बी दोनों बराबर होगा, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड जो बराबर आएगा, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे कर देंगे, बस सॉल्व कर दो, जैसे कि अगर हम लोग ए प्लस बी लेते हैं वेक्टर, डॉट क्या ले रहे हैं, वेक्टर ए माइनस बी ले रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये ए डॉट ए हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा, प्लस बी डॉट ए आ जाएगा, माइनस बी डॉट बी आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहां से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू जीरो आ जाएगा, ये वाला टर्म गया पूरा, ठीक। ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब ए ए कॉस 90 सॉरी ए कॉस जीरो, तो ए स्क्वायर बी बी कॉस जीरो यानी कि बी स्क्वायर, तो यहां से ये देख लिया हम लोग कि ए इक्वल टू बी, तो ये हम लोग प्रूफ कर लिए, ठीक है ये हम लोग का प्रूफ हो गया।
तो चलो आज यहीं तक हम लोग क्लास रखते हैं, और YouTube में वीडियो रात में आ जाएगा तो एक बार रिवाइज कर लेना जिनका छूट गया है, और टेलीग्राम के ग्रुप में जो DPP है उसे भेज देंगे जो स्क्रीन में दिखाए थे, तो वो सब वहाँ तक सॉल्व करना। कुछ इसका भी अभी प्रॉब्लम कराएंगे अगले क्लास में, अब डॉट प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट का पढ़ेंगे, उसके बाद पर डॉट प्रोडक्ट का प्रॉब्लम बनाएंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जो है कुछ और भी डिफिकल्ट टाइप का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है सर, इसका भी कुछ कुछ क्वेश्चन भेज दीजिएगा तो। अच्छा भेज देंगे, ठीक है भेज देंगे, बहुत अच्छे से बनाओ तब। डॉट प्रोडक्ट का ना? हाँ ठीक ठीक, डॉट प्रोडक्ट का भेज देंगे, आज जितना पढ़ा है सारा भेज देंगे क्वेश्चन। ठीक है तो चलो हम लोग क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं, निकली हो ना, हटा दे। यस सर। ठीक है यस सर, थैंक यू। ठीक ठीक ठीक, ओके।